अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो गुड मॉर्निंग है, ये आप सारी ज़िंदगी कहते आए हैं। सुबह सुबह याद आया वो कौन सा वक्त था? ये वक्त था या वो वक्त था जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, स्कूल का वक्त। इसी तरह का क्लासरूम होता था ना, ये देखें ब्लैक बोर्ड। आपको हमारा सेट देख के कुछ याद आया होगा। अगर फ्लैशबैक में जाएं, कितना ही पढ़ लिया हमने, कितना ही क्लास में बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट रहे जो टीचर की खुशी के लिए पढ़ते थे, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए आगे आगे रहते थे। और हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा टीचर की आंख से छुपते रहते थे कि हमें ना बोल दें ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए, हमें ना बोल दें कि अपना होमवर्क दिखा दो, हमें ना बोल दें कि आके ये क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें समझाया है वो सबको, पूरी क्लास को समझाओ। तो हम में से कुछ लोग बैक बेंचेस होते थे और हम में से कुछ लोग हमेशा हर चीज़ में आगे, मॉनिटर तो कॉपियाँ बांट रहे हैं, तो दोस्तों को समझा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर आके क्वेश्चंस हल कर रहे हैं। लेकिन चाहे हम बैक बेंचेस हों, चाहे हम फ्रंट रो में बैठने वाले स्टूडेंट्स हों, इस बात का जो फैसला है या इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वो जो फर्स्ट रो में बैठने वाले टीचर के फेवरेट बच्चे हैं वो ज़िंदगी में भी बहुत सुकून पाएंगे या ज़िंदगी में भी बहुत कामयाबियाँ हासिल करेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बैक बेंचेस जो जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया होता है या बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, दोनों वाली चीज़ें, वो कभी कुछ ऐसा बन जाते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। टीचर्स देखती हैं तो हैरान होती हैं कि हाँ, ये तो हमारी क्लास में सबसे लास्ट में बैठा करता था या बैठा करती थी, तो ये माशाल्लाह इतनी मशहूर हो गई है या इतना कामयाबी इसके कदम चूम रही है। बहुत सारी क्लासेस में ऐसे ही बैक बेंचेस कुछ ना कुछ बनते हैं क्योंकि वो इतने ढीठ हो गए होते हैं टीचर्स की डांट और बेइज्जती सह सह कर कि उन्हें दुनिया में आगे निकलने से कोई रोक नहीं सकता। वो जो भी बेइज्जती आए, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, वो उनको सबको धक्का दे के आगे निकल जाता है। आदि जो होता है प्रैक्टिस जो होती है। सो ये कोई गारंटी और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी क्लास में फ़र्स्ट आने वाला लड़का या लड़की ही ज़िंदगी में कामयाब होंगे, क्योंकि दुनिया, प्रैक्टिकल लाइफ, हमारे टीचर्स अक्सर कहते थे भाई ये तो कोई तकलीफ़ और कोई गम नहीं है जो तुम्हारी पढ़ाई का है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या टेस्ट हो रहे हैं, तैयारी करनी है और तुम लोग इतने वावेले होके फिर रहे हो, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जो एक्चुअल स्ट्रेस का जो परसेंटेज है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है ही ऐसी। स्टूडेंट लाइफ में ना खर्चों की टेंशन, स्टूडेंट लाइफ में ना बिजली का बिल अदा करना है, स्टूडेंट लाइफ में ना घर चलाना है, स्टूडेंट लाइफ में ना घर को मेंटेन करना है, या बीवी या मियाँ के ताने सहने हैं या ससुराल को भुगतना है। स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ पढ़ना है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में लड़ना है महंगाई से, अपने उन रिश्तों से जो आपको तकलीफ देते हैं, दुनिया से जो आपको समझती नहीं है, और उस लड़ाई के लिए आपको प्रैक्टिकली इतना मैच्योर होना पड़ता है कि अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में आप खुद फैसले ले सकें। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और हमेशा अम्मी आप बताएं, अबू आप बताएं करते रहे, ज़िंदगी में ख़ुद अपने फ़ैसले नहीं ले सके। बहुत सारे लोग ऐसे जो शायद पढ़ाई में फ़ैसले नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में इतने सही टाइमिंग पर फ़ैसले लिए कि कामयाबी ने उनके कदम चूमे। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप क्लासरूम से ही अंदाज़ा लगा लें कि आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी कैसी होगी। अगर क्लासरूम के साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपको तैयार किया जाए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिकली आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो एक ये गारंटी होती है कि हाँ, डिग्री अगर अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी जगह जॉब लगेगी, आपको काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों से बेहतर जगह पे आप अपना फ्यूचर सेव कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल एडवाइज़ की, जो पेरेंट्स का काम होता है, टीचर्स का काम होता है, जो स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दे के पढ़ाई के अलावा
और क्या क्या चीज़ें दरकार है अपनी ज़िंदगी बेहतरीन गुजारने के लिए। तो आइए, ये क्लासरूम सजी है पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो शायद चूक गया हो आपके टीचर्स से, जो शायद चूक गया हो आपके पेरेंट्स से आपको बताना। तो हम बताते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे तो नॉस्टैल्जिक हो रहा है बहुत, क्योंकि वो मुझे याद आ रहे हैं अपनी क्लासरूम। आई डोंट नो, कभी कभार जब फेवरेट टीचर होती थी तो बहुत अच्छा लगता था स्कूल जाना, लेकिन जब फेवरेट टीचर का पीरियड नहीं होता था फिर होता था हाय अल्लाह, फिर 45 मिनट्स उन टीचर के साथ होंगे। लेकिन आप खुश हो जाएं क्योंकि अभी आपकी 3 फेवरेट टीचर्स हम आपको मिलवाने वाले हैं, जिनको देखकर आपको ये होगा कि अच्छा शो गुजरेगा हमारा और अच्छी मशवरे आपको मिलेंगे। तो आज क्लासरूम में तो हमारे स्टूडेंट्स हैं ही, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स और आई गेस बहुत सारी टीचर्स भी कैमरे के उस पार होंगी जो शायद मुत्तफिक होंगी हमारी इन टीचर्स से जो आज हमारे साथ क्लासरूम में मौजूद है। तो हमारे साथ है फजीला काजी, फजीला कैसरिया काजी जो भी है। अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है। फिर हमारे साथ सादिया मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सादिया के हस्बैंड का नाम क्या है? अदनान हैदर। बिल्कुल। आज टीचर बना दिया आपने बस रह क्या गया है बनाना मुझे नहीं। और आप खुद प्रिंसिपल बन गए, जज बन गए, बल्कि बच्चे निकाल ही लेते हैं फन, सीरियसनेस से भी बच्चे फन। लेकिन मैं उनके फन को और ज्यादा एक्सपेंड करूंगी बजाय इसके कि उनको ये आजकल की है ना, पहले की तो ऐसे होते थे हम अपनी हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस के बाहर से गुजरते हुए भी डर लगता था कि अगर उन्होंने देख लिया तो आवाज देंगे कहेंगे कहाँ जा रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त। हमारे स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी, मिस रुबीना, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे। बहुत यंग एज में हो गया और वो यंग प्रिंसिपल थी। अच्छा। और हमेशा जिस तरह मैं मॉर्निंग शो के लिए तैयार होके ऐसी तैयार, वो ऐसे तैयार होके हमारी मिस तलत थी, कपड़े उनकी नेल्स, जब उनके नेल्स हमारे गालों पे यूं आते थे तुम लोगों ने पढ़ाई सही नहीं की, तो मतलब लाइक वो एक फैशन आइकॉन सॉर्ट ऑफ थी। तो बड़ी और हाई हील्स का बड़ा फैशन, और हाई हील्स बिल्कुल पेंसिल हील। अच्छा, हमारी भी मेरी मिस तलत थी, हमारी जो प्रिंसिपल थी वो मिसेस असदुल्ला थी हैदराबाद में सेंट मैरीज में, और वो भी बड़ा कोई साड़ी और जूड़ा उनका होता था, टिप टॉप में थी, सुबह तक जूड़ा कैसे बांध के आती है। तो ना बड़े टीचर्स बड़ी पहले टिप टॉप में आती थी, अब आजकल मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह सुबह उनको देख के थी खुशी महसूस होता। फिर जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में टीचर उल्टी लेक्चरार इतनी पड़ी हुई, उनकी चुटिया बनी हुई तो पीछे रबर बैंड नहीं लगा हुआ, मतलब ऐसी छोटी चुटिया, सादे से सादी सी टी, और लिपस्टिक लगाई हुई है, तो वो जो हम मेकअप सिखाने वाले आते हैं ना कि ब्राउन आउटलाइन नहीं लगा वो वाली। मैंने कहा यार स्कूल में जबकि लेक्चरर्स के पैसे ज्यादा होते, लेकिन आई थिंक उन पे जिम्मेदारी शायद ज्यादा होती है, और वो पहले क्या जिम्मेदारी होती थी, ना कॉपियां चेक करनी ना कुछ, नहीं पहले क्लास ली और खत्म। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले जो वर्किंग वुमेन थी जितनी भी उन पे, खैर हम तो अब अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं ना, लोग फिर भी रख लेते हैं स्टाफ, लेकिन पहले वो बेचारियां जब पढ़ा के जाती थी तो घर जाके उन्होंने खाना भी पकाना होता था। देखिए तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ने भी बनाना होता ना। हाँ, लेकिन शायद आप ये कह रही हैं फर्क सही है कि बहुत सारे स्कूल की टीचर्स या वो लोग शौकिया काम करती थी कि अगर बड़े घर से हैं, टीचिंग की इजाजत है, उन्हें पैसे नहीं, तक जूनियर लेवल तक कि अपने टाइम पास के लिए, लेकिन लेक्चरर्स बेसिकली जाहिर है उनका पूरा उनका अपना लेक्चर भी तो तैयार करना होता था ना सारी। लेकिन ये बच्चों की कॉपियां चेक करना और ये सब स्कूल की टीचर्स के लिए। पढ़ाया मैंने भी कुछ अरसे, तो मुझे लगता है हाँ मैंने स्कूल में मैट्रिक के बाद मैंने तकरीबन 1-1.5 साल फ्री होते थे ना, बीच में गैप आता था, तो मैंने कहा भी पढ़ाना चाहिए, पैसे मिलेंगे और फिर मतलब मजा भी आएगा, घर में बैठ के क्या कर रहे हैं। हाँ, पहले तो होता था ना कि पैसे आप तैयार होके जाती थी कि नहीं। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। तो फिर बहुत सारे बच्चों का पहला क्रश ये होंगी। हाँ ना, लंबे बाल मतलब हेलो, ये जब आई थी इंडस्ट्री में तभी बहुत अच्छे। मैं छोटे बच्चों का क्रश थी, मुझे याद है मेरे तो मॉन्टेसरी में मैंने पढ़ाया, छोटे बच्चों का छोटे फेवरेट होते थे ना, किरण आंटी, तो किरण आंटी बहुत ज्यादा
भी पढ़ाया है ना, 7 साल मॉन्टेसरी में। यस एग्जैक्टली। तो आज तो आपने इतने बड़े बड़े स्टूडेंट बिठा दिए हमारे आगे, आज तो हमें कोई बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी। बड़ी बड़ी बातें ही तो करनी है जिंदगी, छोटी छोटी बातें तो हर कोई सिखा देता है। छोटी छोटी बातें तो किताबों में भी लिखी होती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो किताबों में सीखने से नहीं, मतलब लाइक किताबों में पढ़ने से नहीं समझ आती जब तक कुछ खुद गुजरे नहीं आपके ऊपर। हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से सबक सीखता है और एक्सपीरियंस लेता है। चाहे हमने कितनी ही मोटी मोटी किताबें पढ़ ली हैं, आपने मेडिकल कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, आप पायलट बन गई, लेकिन भाई जिंदगी जो सबने गुजारनी है वो तभी जिसके ऊपर पड़ती है उसको पता चलता है, वो वाली चीज़ है। गुजर कर ही इंसान सीखता है। एग्जैक्टली। पढ़ाई बहुत मायने रखती है, बहुत शऊर देती है, और जाहिर है आपकी एक थोड़ा सा गारंटी भी देती है आपके फ्यूचर की, अच्छी सोच देती है। अगर आपने ये पढ़ाई आपको बिल्कुल शऊर देती है, आपके पास एक अपने फ्यूचर के लिए भी एक होता है कि जी मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन साथ साथ जो जिंदगी की आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आपको एक तरह का एक क्या आंखें खोल देते हैं, आपकी आंखें खोलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली लोगों से मिलते हैं, आपको उनका असर और उनका मतलब लाइक जो वो ऊपर हैं, जो वो अंदर हैं, वो सब पता चलता है, समझ आती है। एज स्टूडेंट्स, एज मतलब लाइक उस लाइफ में आपको सिर्फ ये नजर आता है ये अच्छा है ये बुरा है। ग्रे वाली चीज आप पहचान नहीं पाते, बिल्कुल धोखा खा लेते हैं। एग्जैक्टली। और जब छोटे होते हैं तो आप जैसे हम लोग भी अपने स्कूल्स में होते थे तो हमारी बहुत सारी टीचर्स जो थी वो हम उनको देख के कहते थे यार ये टीचर बहुत अच्छी हैं, इसलिए कि वो उनका रवैया उनका मिजाज इतना अच्छा होता था कि वो आपको अच्छी लगती हैं, और जो सख्ती करते थे वो आपको अच्छे ही नहीं लगते थे। तो वो यही कि बस ये सही है और ये गलत है, या ये अच्छा है ये बुरा है। बाकी अच्छा, और फिर कभी कभार हमें ये एहसास होता था जब हमारे नंबर अच्छे आते थे कि जो सख्ती करने वाला टीचर है इसने हमें वाकई दिल से पढ़ाया, सख्ती की तो हमारे रिजल्ट अच्छा आया, सख्ती जाके हमें सख्ती की वजह से हम बन जाते हैं। लेकिन नरमी वाले भी होते हैं, हर किसी का स्टाइल होता है पढ़ाने का मेरे ख्याल है, क्योंकि टीचर भी टीचिंग भी एक आर्ट है। वो तो पहले हमें पता ही नहीं होता था ना, पहले सब पढ़ा लेते थे जाके, बट टीचिंग भी एक आर्ट है, उसका भी एक तरीका होता है। तो उसमें अगर आपको वो तरीका आता है तो फिर सख्ती और नरमी की जरूरत ही नहीं। आई थिंक जो सिलेक्शन होती होगी टीचर्स की वो भी इसी तरीके से होती होगी, कोई नरम टीचर रखते हैं कोई सख्त टीचर रखते हैं, ताकि वो बैलेंस लेके बच्चों को चले, उनको दोनों मिजाज। आइए सवाल शुरू करते हैं। शुक्र है कि आपको कॉपियां नहीं चेक करनी। शुक्र है। वैसे मुझे बहुत मजा आता था, मैं तो इंतजार करती थी टीचर यू नीड हेल्प मुझे बता दे, मैं भी साथ साथ चेक करूंगी। अच्छा, अपना बड़ा 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 महसूस था, राइट रॉन्ग एक्सीलेंट स्टार। सो आज ना ही आपको कॉपियां चेक करनी है और ना ही आपको किसी को फेल और पास करना है, ठीक है? आज बल्कि चेक करने हैं, बल्कि मशवरे देने हैं। और अगर ये मशवरे जो ये सब देंगे अगर आपकी ज़िंदगी पे सूट करते हैं, फिट बैठते हैं, तो उन्हें अप्लाई करें वरना फिल्टर कर लें। सिंपल है यार, ज़रूरी तो नहीं कि और ये वो मशवरे आपके लिए। हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं ज़िंदगी गुजारने में, हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो हम भी जो मशवरे देंगे वो अपने तजर्बे से ही देंगे। एग्जैक्ट। हमने ये किया ऐसी सिचुएशन में, आपके पास ऐसी सिचुएशन है आप करके देख लें। थोड़ा सा हमारा डिफरेंस ये है कि हम घर को भी जानते हैं और हम बाहर की दुनिया को भी जानते हैं। थोड़ा सा अगर हम चारों बताएंगे तो उसमें ये है डिफरेंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ बाहरी दुनिया को जानते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ घर की दुनिया को जानते हैं। हमने मजे दोनों तरफ के चखे हुए हैं, सो फिर हम गिरे भी हैं, उठे भी हैं, संभले भी हैं। वही चीज़ एज अपनाइयत के तौर पर अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, उसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना है या नहीं ये आपने खुद सोचा। बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पढ़ाई की लेक्चर्स दिए नहीं एग्जाम की तरफ। अच्छा, देखिए और ऐसे अच्छा, जिंदगी की खूबसूरती भी यही है। हाँ, जिंदगी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिरा उमैर है। हाँ। और मेरा मसला ये कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना मुस्तकिल मिजाज नहीं है। अच्छा। मतलब जॉब करते हैं, एक जगह रुक के नहीं काम करते हैं, यानी कि एक फील्ड में अपना करियर बनाना नहीं जानते वो ना, और एक जगह करी फिर छोड़ दी, फिर कहीं करी फिर छोड़ दी, और कोई यानी कि आगे क्या स्ट्रगलिंग इतनी हो गई है, लाइफ कितनी टफ हो गई है, लेकिन वो उस बारे में सोचते नहीं है। जितना कमा रहे हैं बस ठीक है, जितना कमा रहे हैं बस ठीक है। आप घर पे होती हैं? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ। नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो इस तरह मुझे ना बहुत, मैं मोटिवेट तो करती हूँ उनको, लेकिन वो ना हो नहीं पाते मुझसे। तो मेरा मसला यही है, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि मैं उनको कैसे मोटिवेट करूँ कि वो आगे की लाइफ जो है हमारी बेहतर बना सकें। अच्छा, हैं आप लोगों के पास? मैं ये कहूँगी एक तरह से तो उनकी सोच सही है कि जितना है चलो उसी में, लेकिन जितनी चादर है उतने वो नहीं, नहीं, ये नहीं सवाल इनका।
ये थोड़ा सा करवाना चाह रही हूं, नहीं करते, ये कह रही है मुस्तकिल मिजाज नहीं है, एक नौकरी करते हैं छोड़ देते हैं, टिकते नहीं फिर टिक कर कहीं काम नहीं करते। और ये एक तरफ इनका मिजाज भी तो फिर ऐसा है कि वो कहते हैं कि बस सही है जो गुजारा हो रहा है ठीक है उनका तो हो रहा है बहन बीवी और हाँ, बच्चों का। बजाय उनको मशवरा देने के आप अपना खुद से कुछ काम शुरू करें, आप घर से कुछ, आपको कुकिंग आती है, आपको सिलाई आती है, कोई स्किल नहीं भी आता, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो स्किल्स सिखा रहे हैं आपको, आप मेकअप सीख लीजिए, आप कुछ भी कर सकती हैं, ऑनलाइन कर सकती हैं, घर से कर सकती हैं, आप इसकी इजाज़त ले लीजिए अपने मियाँ से, अच्छा चलें ऐसा है और अच्छे से बात करें, ये नहीं कि आपसे कुछ नहीं होता और आपकी जॉब नहीं रहती, अच्छे मिजाज से ठंडे दिमाग से उनसे बात करें, मशवरा दें उनको कि मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा है दोनों का जो है ना, इस तरीके से उनको थोड़ा सा टेम्प्ट करें, अच्छा कमाएंगे आगे के लिए अच्छा होगा, देखो ना ये इस तरह से होगा, ऐसे उनको समझाएं। एक तो मशवरा ये हो गया, आप क्या कहते हैं? अच्छा देखें ये बहुत अच्छी बात किया किरण ने कि डिग्रीज ठीक है, पढ़ाई है, डिग्री ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ना स्किल्स भी आनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आजकल के दौर में। अच्छा दूसरी बात है, देखिए मुस्तकिल मिजाजी की जहाँ तक बात है, एक तो ये माँ का बिगाड़ा हुआ है, माँ का लाडला, क्योंकि वो घर में जब उनको नहीं इस चीज़ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं दिलाया जाता, और मैंने पिछले शो में भी एक बात की थी कि शादी जो है हम फैंटेसी समझ के करते हैं, मगर शादी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर में एक दूसरा फ़र्द आ रहा है और आप दो लोगों ने एक साथ रहना है, तो ठीक है आप उन्हें देखें अगर समझाएं, और क्या ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रोथ चाहते हैं इसलिए जॉब्स चेंज करते हैं कि वो कहते हैं कि हो सकता है दूसरी इससे बेहतर मिले, क्योंकि आप सालों भी एक जगह रहते हैं तो आपकी इतनी ग्रोथ नहीं होती है, तो समटाइम्स वो ऐसा भी सोचते हैं, तो उनसे बात करें और उनसे पूछें कि आप ऐसे क्यों करते हो। तो फिर आपकी शादी को कितने साल हो गए? 7 साल और उनकी पढ़ाई की तालीम कितनी है उस हिसाब से भी आप देखें, तालीम कैसी है उनकी, सही ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट तो आजकल कुछ भी नहीं है ना, तो आपको थोड़ा बात करनी पड़ेगी। देखो 7 साल बहुत कम अर्सा है, अब थोड़ा टाइम लगता है, और आप साथ साथ बहुत अच्छी बात है इनकी कि अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आप कोई काम शुरू करके दें ताकि हालात बेहतर हों। शादी आप कुछ कहेंगे? बट यू आर लकी कि आजकल ग्रेजुएट जो है बिल्कुल फारिग फिर हैं और वो हर बार उनको एक नौकरी मिल जाती है। आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम का शिकार हुई आप इन 7 सालों में? बहुत बार हुई हूँ, जैसे इतनी महंगाई बढ़ गई है, ये सब चीज़ें हो गई है, फैसिलिटीज़ अब बच्चों को भी चाहिए। आपके हस्बैंड का क्या कहना था? वो यही बोलते हैं कि अब अल्लाह मालिक है, यानी कि आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम इसी बात पे ज्यादा होते होंगे। अच्छा तो फिर आप उनसे ना कभी देखें, हर औरत को पता होता है कि कौन सा टाइम है जो मियां बीवी के बात करने का वक्त होता है, क्योंकि वो मैं या ये हम तीनों से कोई नहीं हुआ, आप बेहतर बता सकते हैं कि कौन से वक्त में आप उनसे बेहतर तरीके से, क्योंकि हम खवातीन कभी कभार सबसे बड़ी गलती जो यही करती है गलत टाइम पे बात ना करें। वो टाइमिंग आप जरूर देखें कि मैं कब उनका मूड उनके हिसाब से, और वो जुमले भी वही इस्तेमाल करें जो वो सुनना चाहते हैं। गलत अल्फाज जो होते हैं ना वो आपकी अच्छी से अच्छी बात को इतना बुरा बना देंगे कि आप नेगेटिव लगने लगेंगे उनको अपनी, आपने वो नहीं करना, आपने एक अच्छे वक्त का इंतजार करके अपनी बात को उनको बयान करना है कि मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ये काम शुरू करूँ ऑनलाइन करूँ, मुझे निकलना भी नहीं पड़े, मैं घर में भी ज़्यादा, तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा मुझे इसको इंटरनेट पे कैसे करना है, मुझे साइट कैसे बनानी है, उनको इन्वॉल्वमेंट, उनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल छोड़ना दीजिएगा कि सारा जिम्मेदारी खुद नहीं लेनी। हस्बैंड के ऊपर से जिम्मेदारी जहाँ हटती है तो उसको घर बैठने में, जैसे औरतों को होता है ना कभी कभार बाहर निकलने का शौक होता है, उस तरह हस्बैंड को कुछ लोगों को घर में बैठने का बहुत शौक होता है, और दूसरी नेचर है, फितरत है। अगर वो कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, कहना बिल्कुल अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला आके निवाला तो नहीं डालेंगे ना, अल्लाह ताला ने आपके जहन में डाला है, दिमाग कर दिया है, तो आप सोचें, और अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है और अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज का वादा नहीं किया ना, रिस्क तो मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, वो तो जानवरों को भी मिल जाता है, तो इंसान को तो बहुत कुछ लग्जरी भी चाहिए होती है ना, तो वो आपको समझाना पड़ेगा कभी। और सुने हर वक्त ये नहीं है कि हर वक्त मियाँ का मूड देख के बात करें, मियाँ को भी कभी हमारा मूड देख के बात करनी चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन जरूरी है, इम्पोर्टेंट ये कि अभी ये क्लास लेने आई, जिस दिन मियाँ क्लास लेने आएंगे हम उनको ये बात समझाएंगे, इनको हमने ये समझाना और लेकिन यहाँ जहाँ जितने लोग हमें देख रहे होंगे तो वो ये ज़रूर समझें कि खास तौर पे खवातीन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्मोन्स चेंजेस आ रही होती हैं बहुत, तो ये मेरा ख्याल है कि अब जहाँ आप इंटरनेट पे बैठ के टिकटॉक देख रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें देख रहे हैं,
जरा थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को भी पढ़े, इतनी इतनी चीजें आ गई आपके पास, थोड़ा देखें, आप लोग भी देख सकते हैं, यकीन माने बहुत कुछ, हमने भी उन्हीं से बहुत सारी चीजें सीखी हैं अपने आप को ठीक करने की। कभी कभी तो ओवरडोज भी हो जाता है वैसे। कि इतना सब्र कैसे आ गया, लेकिन ये कि थोड़ा सा तवक्कल भी इम्पोर्टेंट है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम अलीना माजिद है और मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड में जितना भी अच्छा खाना बना लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है कभी भी तारीफ नहीं करते। उनको हमेशा यही लगता है कि अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और मैं अच्छा नहीं बनाती। मैं जितनी भी एफर्ट कर लूँ अच्छे से अच्छा खाना बनाने की, बस वो हर वक्त यही कहते हैं कि अम्मी तो इतना अच्छा बनाती थी, अम्मी ने ये पुलाव तो इतना अच्छा बनाया था। कहाँ है अभी? मेरी अम्मी मेरे साथ ही है। हमारी अम्मी या अपनी अम्मी? मेरी सास, मतलब कि मेरी सास। अच्छा, वो आपके साथ में है? हम कंबाइंड फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आप खाना बनाते वक्त क्या सोच रही होती है कि ये तो इनको अच्छा ही नहीं लगेगा? नहीं, मैं सोचती नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या सोचती? मतलब कि मैं ऐसे बनाती हूँ कि इनको बहुत अच्छा लगे, जो इनकी पसंद की चीज़ें, मैं वो सोच के बनाऊंगी, इनको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत शौक से खाते हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो हमेशा एक निवाला लेते हैं, कहते हैं अम्मी का जायका नहीं आ रहा इसमें। तो अम्मी से पकवाल होना, अम्मी नहीं, अम्मी की एज हो गई है और अम्मी जाहिर से एक टाइम उन्होंने खाना बनाया है, अब मैं आ गई हूँ तो मैं अच्छा भी नहीं लगता कि अब मेरे होते हुए अम्मी खाना बनाए। अच्छा, आप उनको ये कह सकती हैं कि आज मैंने आपकी अम्मी की रेसिपी से बनाया? जी, मैंने बहुत दफा अम्मी से पूछकर बनाया है, लेकिन उनको अम्मी वाला जायका ही नहीं आता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हर इंसान के हाथ का जायका अलग होता है। और दूसरी बात ये है कि देखें, आपको क्यों उनसे वैलिडेशन चाहिए? आपको क्यों उनसे तारीफ चाहिए? आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? जी माशाल्लाह, तीन बच्चे हैं। अच्छा, आप अपने बच्चों के लिए पका रही हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, याद रखिएगा, इंसानी फितरत है, हमारे बचपन में, इनके बचपन में, आपके बचपन में, हमने जो भी जायके खाए होते हैं ना, हम उस पर हिल गए होते हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो शायद हमें ना अच्छा लगे, लेकिन शायद आपको अच्छा ना लगे मेरी माँ के हाथ का जायका, लेकिन मैं उस पर हिल गई हूँ तो मुझे वो जायका हमेशा याद रहेगा। अच्छा, और बचपन में ना एक साइकी होती है बच्चों की, आपके टेस्ट बर्ड्स उस वक्त इतने स्ट्रांग होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को इतनी नरिशमेंट चाहिए होती है कि आप उस वक्त जो भी चीज़ खाते हैं वो आपको बहुत अच्छी लगती है, और बाद में आप वो जायके ढूंढते हैं, लेकिन वो जायके आपको बाद में कभी नहीं मिलते। तो अगर वो बेचारा इस तरह बोल रहा है अम्मी के हाथ का, कहना हाँ इसमें तो कोई शक नहीं, अम्मी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन मैं आपके बच्चों की अम्मी हूँ तो मैं अब उनके हिसाब से बना रही हूँ, मैं रेसिपी वही यूज कर रही हूँ, तो अब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी रहे ना, तो उनको मेरा खाना पसंद है, मैं यही पकाती हूँ, खाना है तो खाएं, नहीं खाना तो भी यही खाएं। खराब करें। और वैलिडेशन क्यों चाहिए, तारीफ क्यों चाहिए? नहीं है जरूरत तारीफ की। तारीफ ना कुछ काम इसलिए भी करें कि वो आपने करने और मोहब्बत से सबसे बड़ा क्रिटिक अपना, किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर खाना पकेगा और आप चखेंगे, आपको अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको खुद पता चलेगा कि अच्छा नहीं है, और अगर अच्छा होगा तो आप खुद कहेंगे नहीं आज तो अच्छा। सुनो, कुछ लोगों के टेस्ट बड्स खराब होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता अच्छा बुरा। कुछ लोगों को बुरी चीजें भी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना थोड़ा सा अपने पे फोकस करें, छोड़ दें, हम दुनिया को खुश नहीं कर सकते। हम एक घर में रहते हुए आपस में बहन भाई एक उसमें खुश होते हैं, वो तो बहन भाई सगा खून होते हैं, तो ये तो सगा खून नहीं है ना, एक अलग फैमिली में आप गई हैं, उनका अलग मिजाज है, तो इसलिए प्लीज उनसे हर बार सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप खाना बनाएं और आप ये सोच के हमेशा बनाएं कि ये जो खाना मैं बना रही हूँ, अल्लाह इसमें बरकत डाले और इसमें जायका लाए, वो जायका जो मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए अच्छा। आप देखें ऐसा ऐसा चीज़ें, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करें, मत पूछा करें कैसा लगा नहीं लगा, कुछ चीज़ों को आप सुन के अनसुनी कर दें, वो कह भी रहे ना कोशिश करूँ। हाँ, क्या ना, वाकई अम्मी अच्छा बनाती है, लेकिन अब क्या करूँ, अम्मी बीमारें नहीं बना सकती। आप चाहते हैं मैं आपकी अम्मी को, बेचारियों को तंग करूँ, अब इस उम्र में आके सारी जिंदगी आप लोगों को खिलाया, जज्बाती इमोशनल वाला जो है ना अटैक करो। और हाँ, और दूसरी बात ये कि वो पकाओ जो तुम्हारा खाने का दिल, जो आपका खाने का दिल, जो आप सोचते हो ना कि यार आज मेरा ये चीज खाने का दिल चाह रहा है, वही पकाओ। ये 1% ही खवातीन है जो ऐसा सोचती है कि जो हमें पसंद है हम वो पकाएं। नहीं, वो हमें हमेशा घर वालों का पता चला ना, हमें बाद में, मैंने भी सारी जिंदगी घर वालों के लिए पकाया, बचा कुचा खाया, मतलब ये होता था कि कैसे हमारे घर में तीन लोग हैं और तीन अलग लोगों के मिजाज है, नहीं मिजाज है, एक वेजिटेरियन है, एक वीगन है और एक फुल किस्म का जो ना गोश्त खोर बच्चा। तो वो ये होता है कि आप बस ये सोचें कि भाई मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, वो पका लें, सब खा लेंगे। हमारी अम्मा तो पका के रख देती थी भाई यही है, खाना है खाओ, नहीं खाना नहीं, नहीं खाना तो भी यही खाओ, क्योंकि खाना ही पड़ता था। और क्या, और बाहर से ऑर्डर जो है वो कम करना था। तो अब यहाँ तो चक्कर ही होता है ना कि आप पकाओ, इतनी मेहनत से किचन में वो करो और बच्चे कहेंगे हमें नहीं अच्छा लग रहा। और ऑर्डर, एक और आइडिया है क्या,
बच्चे तो खैर खा लेते ना, तुम्हारी मियाँ अगर बोले ना वो मज़ा नहीं आ रहा तो कहना ऑर्डर कर ले, कहना बल्कि एक काम करे मुझे भी आज मज़ा नहीं आ रहा मेरे लिए भी ऑर्डर कर ले। फिर जब जेब से बनाए ना, कल आज तो मैंने कुछ बनाए नहीं, आज बाहर से ऑर्डर कर ले। तो जब जेब से पैसा खर्च होगा ना तो आपको पसंद ही नहीं आता, बहुत पसंद आएगा। एक क्वेश्चन मैं और करूँगी कि जब मैंने एक दिन ना पुलाव बनाया और वो अम्मी की रेसिपी से ही बनाया, एज इट इज़ वैसे ही बनाया जैसे अम्मी बनाती, ये तो अम्मी ऐसे बनाती थी और अब तुमने ऐसा बनाया, इसमें तो वो जायका ही नहीं आया। अरे बहन कितनी औरतें हैं तुम्हारी मियाँ के अंदर। नहीं मैं तो मान ले उनकी बात, हाँ मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, मतलब कि मुझे समझ भी नहीं आता मैं ये सब कैसे हैंडल करूँ। कंपैरिजन जो है ना भाई, क्या हो गया, खाना नहीं पकाना आता तो क्या हो गया, ब्रेक के बाद आके तुम्हारी सही मैं क्लास लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो यहाँ मैं तो कहूँगी दुखियारियाँ ये हमारे ये स्टूडेंट्स नहीं है, कभी कभार हम उन बातों पे दुखी हो जाते हैं जिन पे हमें नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, दुनिया इतनी, जिंदगी इतनी प्रेशियस है और आपको अल्लाह ताला ने सांस लेने के लिए ये जिंदगी दी है और इसलिए हो जाते हैं कमजोर हैं हम, अंदर से कमजोर होते हैं इसीलिए हम जल्दी दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें फील करते हैं, हर्ट हो जाते हैं और अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंची हूँ भाई, कुछ नहीं होता लड़ाई झगड़े से, अंदर कुछ जलने कुड़ने से अपना नुकसान हो रहा है, अपनी बॉडी हम क्या ब्रेक कर रहे हैं। मुझे अब जाके इस इतनी एज में जाके एक चीज समझ आई कि जब आप दिल से माफ कर देते हैं, उफ फॉरगिव, अच्छा पूरी कायनात को गवाह करके कहते मैंने माफ किया, एक अलग सा सुकून आता है यार। आए दिन हम लोग जो इस वक्त बैठे हुए हैं, हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, इस शो से निकली, उस शो से निकली, ऐसी बातें जो हमारे दिलों को भी तकलीफ देती हैं, अब यहाँ से सुन के इधर कहाँ से निकाल लेते हैं और आधी आधी बातों को कर देते हैं, बल्कि बड़ा अजीब लगता है। तो आप लोग तो खाली अपने मियां और सास से लड़े, हम तो पूरी दुनिया से लड़े। आप सोचे कि बात कहीं कुछ की वो निकली कहीं कुछ, तो मेरा हर किसी को बातें सुनाते हैं, हर किसी को, अब इनको सुनाएंगे, मुझे सुनाएंगे, इनको सुनाएंगे, उनको सुनाएंगे। मैं तो माशाल्लाह खुद कफील हूँ बातें सुनने में। मैं तो माशाल्लाह बहुत ही, मुझे तो बदनाम कर दिया कुछ औरतों ने ना एक प्लानिंग के तहत, वो हर वक्त मुझे कहती रहती है फजीला काजी अपने मियाँ की इज्जत नहीं करती। आखिर में एक दिन मेरे मियाँ ने कहा फजीला मुझे लगता है तुम्हारी इज्जत नहीं करती, मैंने कहा कैसे खुदा के वास्ते, अब आप ये ना कहे। ऊपर बॉम्बिंग होती रहे ना किसी पे तो वो बंदे को सच लगना शुरू हो जाता है। तो वो एक औरतों ने ना वो बना दिया, हर वो कहती है आप उनसे ऐसे पेश आया कीजिए, आप उनसे ऐसे, अच्छा अपने मियाओं की उन्होंने बैंड बजाई हुई होगी चाहे और मुझे वो क्या तरबियती पैगाम भेजती रहती है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें आप अपनी जिंदगी में सीखते हैं, आपको हम कितना ही लेक्चर दे दें, कितने ही अपने तजर्बे, लेकिन हर इंसान के अपनी ज़ात के साथ अपना एक तजर्बा होता बिल्कुल है। और वही तजर्बा उसे बहुत बेहतर तरीके से बताता है। तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी शादी को टाइम दें, जल्दबाजी किसी चीज़ में ना करें, कोई डिसीजन ना लें, किसी की ना सुने, ख़ास तौर पर अपनी फैमिली से ना डिस्कस किया करें, क्योंकि माँ बाप जो है ना वो बहुत प्यार करता है, ऐसे नहीं कि वो गलत मशवरा देंगे, वो प्यार करते हैं, वो चाहते हैं, भाई बहन भी वो चाहते हैं यार हमारी बहन दी बेस्ट दिखे, या उनकी तरफ से भी होगा हमारा भाई जो है वो बेस्ट दिखे। तो उनसे मशवरे नहीं लें, अपने आप से भी कभी कभी पूछा करें, क्योंकि आप जो अपने आप को से बात करते हैं ना वो सबसे बेहतरीन बात और वैलिडेशन होता है। और अगले को सोचें ये बेचारा अंदर से बीमार है, अंदर से दुखी है, इसको कोई प्रॉब्लम है इसीलिए ये ऐसा बोले जा रहा है, ये वाकई में इसकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हां भाई अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मेरे साथ, मुझे बच्चों के बारे में पूछना था कि मेरे आगे पीछे डेढ़ डेढ़ साल के वक्फे से डिफरेंट एजेस में मेरे बच्चे हो गए हैं, तो ए पहले को मैं वक्त नहीं दे सकी, फिर दूसरा हो गया, डेढ़ साल बाद फिर तीसरी हो गई, तो मेरा 10 साल का बच्चा कहता है कि मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो मैं दो छोटे बच्चों को प्यार करती हूँ तो आप ज़्यादा उनको प्यार करती हैं, हालांकि मैं माँ हूँ, मैं तीनों को बराबर प्यार करती हूँ। तो जब वो तंग करना शुरू कर देता है छोटे बहन भाइयों को, तो जब मैं उसको गुस्सा करती हूँ तो और ज़्यादा नेगेटिवली जाता है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं इस बच्चे का कॉम्प्लेक्स कैसे दूर करूं। आपको पता है ये डॉक्टर्स आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपके एक बच्चा 5 साल 6 साल या 7 साल का, और उस दौरान आपने तो कहा ना 1.5 साल का, तो सोचे उसका वो 1.5 साल का होगा जो दूसरा बच्चा हो रहा है, कभी बच्चे के सामने छोटे बेबी को, छोटे बेबी को तो अभी सेंस ही नहीं कि मुझे प्यार किया जा रहा है या नफरत की जा रही है या मुझे मारा जा रहा है, लेकिन जो इस वक्त 1.5 साल का या 2 साल का उसको फील हो रहा है, तो जेलसी का लेवल जो है उसके अंदर, ये कुदरत है ना, कुदरत ने हमारे अंदर डाला है,
तो वो माँ को शेयर नहीं करेगा। ये डॉक्टर भी समझाते हैं कि अगर ऊपर तले आपके बच्चे हो रहे हैं तो आपने बड़े को इग्नोर नहीं करना, छोटे को आप बेशक थोड़ी देर इग्नोर कर दें, किसी और को दे दें, खाला फूफी चाचू अपने शौहर को दे दें कि आप इसे, लेकिन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका वो बच्चा होना चाहिए जो बड़ा है, जो समझ रहा है सब। हाँ। तो ये मेरा ख्याल है कि आपने से सबसे बड़ी गलती हुई कि ऊपर तले आपके तीन बच्चे और हमसे भी हुई है, हमसे हाँ, जब हम लोग हम इस हमारे इस उम्र में थे हमसे भी हुई है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरा भी इत्तेफाक है कि मेरे दोनों बच्चों में भी तकरीबन 1.5 साल का ही डिफरेंस है और मैंने वो वक्त गुजारा है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं भी छोटी थी ना, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूं, तो मैं अपनी अम्मी से ये कहती थी, मुझे लगता है आपने ना मुझे कहीं से कचरे से उठाया है। हालांकि मैं इकलौती थी, मेरे से छोटे दो भाई हैं, तो वो बच्चों में एक ऐसी चीज़ होती है, एक तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए कभी भी, वो बच्चे कह देते हैं उस बात को, इतना अपने जहन पर ना सवार करें कि आपको लगे कि हाँ बस अब मुझे हर वक्त इसको देखना है, तो उसमें भी बच्चा ख़राब हो जाता है। देखें आपको दोनों को बराबर लेके चलना है। अब डॉक्टर तो वो कहते होंगे, वो आजकल तो नई चीज़ें बहुत सारी शुरू हो गई हैं, लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगी। मेरा बड़ा बेटा था तो जब 1.5 साल का था तो छोटा बेटा 1 महीने का था, ठीक है ना, तो मैं उसको कहती थी कि आप बड़े भाई हो, ठीक है आपने ख्याल रखना है इसका, चलो मैं इसका पैम्पर चेंज कर रही हूँ, तो अब आप भाई के लिए ये चीज़ ले आओ, मुझे हेल्प करो। आप बच्चों को साथ लगा लें, इन्वॉल्व करें, ताकि उनको अपने रुतबे का एहसास हो कि यार देखो मैं इस घर को या इस जगह को ओन करता हूँ, ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई को भी ओन करता हूँ या बहन को ओन करता हूँ। इस तरह से आप जब चलेंगी ना, तो बच्चा ये भी नहीं कहेगा कि वो, और आप ये नहीं सोचें नेगेटिव वेगेटिव, ये आजकल के अल्फाज हैं सारे बकवास अल्फाज हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, इमोशन होते हैं इंसान के। अगर उसे किसी वक्त लगे कि भाई अब बोले कि आप मुझे कम प्यार कर रही हैं या आप इनको करती हैं, कहना नहीं आप बड़े बेटे हो, आप तो मेरे वलिए हैं, दो तो आप हो तो आपके बाद ये सब हैं, आप जितना अच्छा बिहेव करोगे ये आपको देख के सीखेंगे, यू नो आप उनको इन्वॉल्व करें तरबियत को, उस रिश्ते में तरबियत इस तरह से होती है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचें कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ बच्चे, एक्चुअली बिल्कुल दोनों ही लोग सही कह रहे हैं। पता नहीं माँ का एक इंस्टिंक्ट ऐसा होता है, हमेशा जो बच्चा थोड़ा वीक होता है ना, कमज़ोर होता है, माँ हमेशा उसको सपोर्ट करती है। बड़े होने के बाद भी कुछ बच्चे इस्टेब्लिश्ड होते हैं और कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं, माँ हमेशा उनको सपोर्ट कर रही होती है हर दम। और उसी तरह जब एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है, जबकि दूसरे बच्चे को सेंस ही नहीं होती कि उसे माँ ने उसे उठाया है कि नहीं, पहला बच्चा देख रहा होता है, मगर क्योंकि दूसरे बच्चे को ज़्यादा उस वक्त ज़रूरत महसूस होती है माँ की, जाहिर है वो भूख का बता नहीं सकता या वो नैपी गंदा हो गया, वो सिर्फ रोके, तो इसीलिए माँ ऑब्वियसली सोचती नहीं है उस वक्त, वो खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाती है छोटे के, उसको मदर फीड करा रही है, वो खुद ही उस तरफ चली जाती है। मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको खुद बैलेंस, ये एक काम है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऑटो पे छोड़ देंगे, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके इंसाफ वाली चीज़ है ना, वो आपको अदल और इंसाफ दोनों बच्चों में करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को महसूस ना हो, क्योंकि अगर ऐसा महसूस हो गया तो आप भी कितने फिल्में और ड्रामे देखे होंगे कि बड़े होकर जेलिसीज डेवलप हो जाती हैं, सिब्लिंग्स को जोड़े कैसे, बहुत खूबसूरत बात की है नदा ने कि ये जो बात है ना, माँ हमेशा, मैंने देखा है जो भी बच्चा जरा वीक होता है किसी भी तरीके से ना, तो माँ का दिल उधर होता है कि भाई चलो ये तो सेट है, मैं इनको ठीक कर दूँ। एग्जैक्टली, लेकिन ये वाली बात कि आपको तरबियत करनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखें आपको बस ये कि सबको जोड़ के रखना है, माँ का काम क्या होता है, वो घर को जोड़ के रखती है, हस्बैंड को, बच्चों को। ये मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीखी और अप्लाई भी की है, जिससे फ़ायदा होता है कि आप कभी भी अपने शौहर की बुराई अपनी माँ से ना करें, अपने शौहर से अपने घर वालों की बुराई ना करें, अपने शौहर से अपने बच्चों की बुराई बुराई नहीं डिस्कस करें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको ऐसे कैसे हैंडल करूं, तो आपके हस्बैंड भी साथ देंगे। जैसे बड़ा बच्चा अगर थोड़ा वो हो रहा है, उसको लगता है कि निग्लेक्ट हो रहा है, आपको लगता है, तो हस्बैंड को अपने साथ जोड़ें, ताकि जिस वक्त आप छोटे बच्चों को देख रही हो, वो उसको बिजी कहीं करे हुए हों, उसके साथ बैठे हुए हों, उसको टाइम दे रहे हो, थोड़ा मिलजुल के करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पैम्परिंग भी उसको स्पॉइल कर सकती है, ये नहीं कि वो ज्यादा फील करेगा तो मैं उसको ज्यादा अटेंशन दे दूं, वो उसको बिगाड़ देगी। अच्छा अब तो चिड़िया चुग गई खेत, वो 10 साल का हो चुका है, अब जो था वो हो गया, अब क्या करना चाहिए? अभी भी बड़ा टाइम है आप उसको जैसे भी इस फजीला जी ने कहा इन्वॉल्व करें उसके फैसलों में। और ये देखें मौलाए कायनात का कॉल है कि बच्चे की तरबियत के लिए बड़े खूबसूरत होने के 5 साल आपने उसको बिल्कुल ऐसे पालना जैसे वो बादशाह है, 5 साल के बाद आपने उसको उसका वजीर बन जाना है,
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ना हमारे दीन ने हमें बड़ी खूबसूरती से सिखाई हैं, तो इनके ऊपर देखें अब थोड़ी सी अथॉरिटी दें उसे। अच्छा तुम बताओ आज छोटे भाई या बहन को इनको कौन से कलर के कपड़े पहनाने आज, अच्छा हम कहाँ लेके जाएं, कुछ इन फैसले। जब आप किसी के ऊपर थोड़ा सा भी ना उसको मान देना शुरू करें, वो जब मान मिलता है ना वो अगला कहता है यार मैं कुछ हूँ, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसके ऊपर डालना शुरू कर, आप देखिएगा चीज़ों में खुद ब खुद चेंज आएगा। अक्सर उसको इम्पोर्टेंस भी देती हूँ कि बेटा आप मुझे बताएं कि मैं छोटी बेटी है मेरी, हाँ। तो मैं उसको क्या कपड़े पहनाऊं तो वो मुझे निकाल के भी देखे। हाँ बस सही बात है ना, या बेटा मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगी, अगर ऊपर तले के बच्चे होते हैं, अगर आप किसी एक को बड़ा बना देते हैं ना, और 10 साल का बच्चा अगर समझता है मैं बड़ा हूँ तो वो फिर कभी कभार ज्यादती भी करता है छोटे बहन भाइयों पर। जैसे हम लोग ऊपर तले के बहन भाई थे, तो जो हम तीनों में बहनों में जो जिसका ज़्यादा डोमिनेशन थी, जो ज़्यादा समझदार थी, वो हमारी सेकेंड बहन थी। मैं बड़ी मगर अम्मा अब्बा ने हमेशा मैं बराबर रखा। और उसके बाद जब इंसान बड़ा होता है तो जो तीनों में से जो सारे बच्चों में से ज़्यादा समझदार होता है ना, वो खुद ब खुद घर का हेड बन जाता है, इन द सेंस कि हम उसकी सुनते हैं, उसकी समझते हैं। सो हर फैमिली में ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। नहीं निधा, ये तो आगे चलने चल के बात है ना, अभी वो कह रही है अभी इनिशियल में तो आपको थोड़ा सा ना बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ता है, फिर ये बाय द टाइम जैसे दूसरे भी बच्चे बड़े होते हैं, क्योंकि फिर बच्चों की आपस में बड़ी मजे की ग्रोथ हो जाती है, भाई बहन कुछ भी हो, खेल कूद उनका आपस में ही होता है। क्यों कहते ऊपर तले के बच्चे हो तो पलते जल्दी ना, आपका बच्चा वैसे ही थोड़ी सी एक मैच्योर थिंकिंग में आ जाएगा, तो वो ये चीजें इतनी ज्यादा बॉदर भी नहीं करेंगी। लेकिन ऊपर तले के बच्चे है ना, वो आपस में एक दूसरे की बड़े छोटे वाली इज्जत इज्जत ये एक साथ ही पलते हैं, ऐसे ही जैसे बराबर है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी सारे बहन भाई ऊपर तले के हैं और मेरे भी, तो हमारा तो एक्सपीरियंस ये कि हमें ऐसा लगता है हम सब बराबर बराबर है, लगता ही नहीं है कि बड़ा बड़े होकर तो सब यही हो जाता है, सब बराबर है। बस आपको थोड़ा सा थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है कि एक अगले की वो सिखानी पड़ती है। जैसे अगर मेरा छोटा बेटा था, पहले जब वो छोटा था तो नाम लेता था, तो मैं कहती नहीं आपका बड़ा भाई है, आप बोलो भाई भाई बोलो आप उसको। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का, ये नहीं कि आपने सारी चीज़ें एक साथ ही अप्लाई कर दें, लेकिन विद द टाइम या विद द सिचुएशन जो भी चल रहा है लाइट वे में लेके चलें, गो विद द फ्लो। कोई इतनी परेशानी वाली बात परेशानी वाली बात नहीं, इसको तो परेशान कौन बनाए भी ना, वरना तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सवाल बच्चे कभी कभार एक्सप्लॉइट भी करते हैं, स्पेशली माओं को, तो बहुत सारी माएँ अक्सर बापों से छुपाती हैं चीज़ें, मगर नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मर्दों को पता होता है। खास तौर पे अगर आप लड़के की परवरिश कर रही हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब मामू बना देगा आपका बेटा। क्योंकि वो माएँ थोड़ी काइंड होती हैं और फिर वो बच्चों की बातों में आ जाती हैं, मगर बाप की एक सख्त आँख होना ज़रूरी है। और इसलिए हर चीज़ बाप से शेयर, मियाँ से शेयर करनी चाहिए, भले बच्चों को ना पता चलने दें कि उनके फादर को आपके वो नजर रखे। और मर्द बड़े स्मार्ट होते हैं, लगता है ऐसा है कि वो नहीं देख रहे, लेकिन उनकी हर खबर पे नजर होती है घर में जो कुछ हो रहा होता है। अच्छा उनका मशवरा भी बिल्कुल अलग तरीके का होता है, और साथ ही बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छा होता है। मतलब आप जिस नजर से सोच भी नहीं रहे होते ना, वो उस जब आप उस पर अमल कर लेते हैं आपको लगता है अरे उन्होंने सोचा ही नहीं था। होता है ना बचपन, देखिए लड़कों पे ना बाप का हाथ होना बहुत जरूरी है जब वो बड़े हो रहे हो, क्योंकि वो जो आपके हस्बैंड होते हैं उन्होंने वो टाइम गुजारा होता है अपने बचपन का, तो उनको पता और उन्होंने ये सारी चालबाजियां कर चुके होते हैं, उनको पता होता है कि मेरी औलाद जो है अभी कहाँ से गुजर रही है और क्या सोच रही होगी एज बॉय अगर वो अपने आप को देखे। और हम अगर हमारी लड़कियां होती हैं तो हमें पता होता है कि भी लड़कियों एज गर्ल्स जब हम इस एज में हमें क्या फील होता था। तो ये जरूरी है कि बाप के हवाले कर दिया जाए बच्चे को 8 साल 7-8 साल के बाद पूरा कि भाई इसको आप जरा नजर रखो। बिल्कुल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी जो सास है ना मुझे किसी चीज़ में वैल्यू नहीं देती, और मेरी जो जेठानी है उनको वैल्यू देती है, जहाँ कोई डिसीजन लेना हो, ग्रॉसरी करनी हो, कहीं लेके जाना हो, तो वो उनको अपने साथ लेके जाती हैं और मुझे साथ लेके नहीं जाती। और इस बारे में मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं कहते, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलो। इनफैक्ट मैं उनकी अम्मी को इतनी इज्जत देती हूँ, हर चीज़ उनसे पूछ के करती हूँ, कहीं जाना हो, कुछ लाना हो, तो मैं उनसे पूछती हूँ सबसे पहले, लेकिन वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती। आपकी लव मैरिज या कुछ ऐसा है कि उनकी तरफ झुकाओ, क्यों है आपकी सास? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। कितने साल हुआ आपकी शादी को? 2 साल। और उनकी शादी को कितने साल हुए? किन की? आपकी जेठानी। उनको तो काफी टाइम हो गया। हाँ तो फिर देखो ना, एक उसूली सी बात है ना, वो उनके साथ बहुत सालों से रह रही है, तो उनकी एक बॉन्डिंग हो जाती है। आप अभी 2 साल हैं, आपका शायद उनको नेचर ना पता हो, आप थोड़ा शाय भी हो,
तो इसको ऐसे आप बहुत सेंसिटिव होके ले रहे हो इस बात को, लेकिन शुक्र अदा करो कि तुम्हें ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही ना, तुम घर पे सुकून से रहो, अपना कमरा साफ करो। है भाई इनके लिए। और वो क्योंकि उनके साथ बहुत अरसे से रह रही है ना, तो वो उनका एक दोस्ताना या जो भी उनका एक रिश्ता है वो ताल्लुक बन गया है, तो वो अपना हर दुख सुख आपस में इतनी शेयर करने की आदत है कि वो अभी तुम नहीं आई हो तो तुम्हें टाइम लगेगा एक्सेप्ट कराने में। और मुझे ये कि आपकी जो आपकी ड्यूटी है ना, या आप जिसको समझती हैं आपका दिल चाह रहा है, आपने पूछ लिया, आपकी नेचर है ये, आपका इखलाक है, आप इसको जारी रखें, आप उसमें वो कमी पेशी ना करें, आप अपनी तरफ से उनकी तबीयत पूछें, उनसे पूछ लें मैं कोई काम कर देती हूँ, वो नहीं कराना चाहती, नहीं करती। और रिश्ते ना अनकंडीशनल मोहब्बत पे रखा करें प्लीज, किसी के साथ भी हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे आप अपने ससुराल में भी, इसकी कंडीशंस ना अब अंदर से तय करें। अब मैं निदा की इज्जत करूँ या निदा से प्यार करूँ ये सोच के नहीं, निदा भी मुझसे नहीं, अगर मेरे दिल से प्यार इसके लिए निकलता तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो वो फिर आप चीजों को गो विद द फ्लो, देखें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे ये आपका रिश्ता पुराना होता जाएगा आपको भी मजा आता जाएगा कि अच्छा ये जगह बनानी होती है, क्योंकि बड़े हमारे घर वाले कहते हैं ना कि कुछ साल दो अपनी शादी को, फिर तुम सबके दिल में जगह बना लोगे, वो आपके मिजाज समझते हैं, हम अपने मिजाज को समझाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी टाइम, आई नो शौक होता है बहुत जल्दी बढ़ के काम करने का, इंसान की फितरत, अगर आप क्लास में हैं टीचर के आगे आपको वही थोड़ा स्पार्कल करने का शौक होता है कि टीचर आपका नाम ले, उसी तरह ससुराल में भी होता ही होगा कि मैं भी, हाँ मुझे लगता है कि जब आप जैसे नई नई शादी होती है ना, तो वही अगेन आप सोच के आते हो कि मेरा आज तो हमारे यहाँ ये बड़ा गलत किया हुआ है ना माँ बाप ने कि ये तुम्हारा घर नहीं, अपने मियाँ के घर जाओगी वो तुम्हारा घर होगा, मियाँ के घर जाके पता चलता है ये तो सास का घर है, तो फिर तुम अपना घर लोगी तो तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा बेटा बना के देगा, बेटा बना के देते पता चलता है ये तो बहू का घर है। तो यू नो एक तो इन चीज़ों को दिमाग से निकाल देना चाहिए, हमें अपने बच्चियों को नहीं सिखाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप जाते हैं ना शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि हाँ मैं ये सब कुछ कर लूँ, मैं ये यहाँ रख दूँ, तो देखिए जब आप किसी नए घर में जाते हैं तो उन लोगों को भी ना थोड़ा अजीब लगता है कि अगर आप उस घर में एकदम से हर चीज़ अपनी मर्जी से करना शुरू करते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये भी एक बड़ा मसला है जो मैंने इस इन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं इकलौती थी और मेरी जब शादी हुई तो मुझे लगता था कि हाँ एक बहुत सारे लोगों के घर में ना बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन वो मज़ा ऐसा आया कि तबीयत साफ हो गई, क्योंकि वो मुझे फिर ये समझ आया कि उसमें उनका भी कसूर नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि हाँ बस वो हम ड्रामों में देखते ना नई बहू सब कुछ हो गया, ये सब ड्रामा होता है, कुछ नहीं होता, हर इंसान अलग मिजाज का होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता, और आप और हम लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि कहते हैं कि हर वक्त सबको खुश करें, तो आप सबको खुश नहीं कर नहीं सकते, इसलिए आप रिलैक्स करो। हाँ, और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है वो है डिस्टेंस, अगर अभी एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना तो आप उसको फैलाने की कोशिश ना करें, आप उस डिस्टेंस में ही रहें, अपने स्पेस में रहें, लेकिन दिल बुरा ना करें, दिल बुरा नहीं करें उनको लेके, वो खुद आपको जो है कभी कभार डिस्टेंस जो है ना वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि, और कभी कभार आप ज्यादा घुसते तो प्रॉब्लम आप ही फंसते हैं। एक मशवरा मुझे किसी का हमेशा याद है, ज्यादा घुसना नहीं, ज्यादा घुसते हैं हम लोग, पता है कि शुरू शुरू में लाइ मुझे देते मैं कर दूं, लाइ मुझे देते मैं कर दूं के चक्कर में आखिरकार सारी टांग आप पे टूटती। सो जब जरूरत महसूस हो घुसने की तब घुसो, जब जरूरत जब तक कोई आपसे हेल्प ना मांगे ना उससे ये मशवरे देने की जिंदगी का भी असूल है, बेहतरीन जिंदगी आ बैल मुझे मार वाला के खुद ही खड़े हो गए आ बैल मुझे मार, नहीं थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे रहें, आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल वर्क आउट। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये क्लासरूम यूं ही जारी रहेगी, वैसे इस क्लासरूम में नींद नहीं आ रही, जमाइयां नहीं आ रही मुझे, मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई क्लासरूम में टीचर्स का जोड़ा क्यों नहीं दिख रहा? हाँ ना, सही बात है, हमारा जोड़ा नहीं सही दिख रहा, मैं वहाँ आके लेक्चर देना चाहती हूँ। साथिया कैटवॉक करके दिखाओ, आज ये सवाल पे मैं यहाँ आके ना एक वॉक है मुझे तो अच्छा जोड़ा उन्होंने भेजा है तो मैं चाहती हूँ कि दिखाएं, तो जोड़ा देखें मिस आप अपना जोड़ा बताएगी कहाँ से पहना है? अनिला क्रिएशंस का जोड़ा है। अगर ये होने लगा क्लासरूम में कि टीचर्स, अजय हमारी एक टीचर थी बड़े मजे के दुपट्टे पहनती थी और मैं ना इतने मजे से ना ऐसे पीछे करके उनके पीछे पीछे मुड़, मैं कुछ मैं आपके पीछे आ रही थी आपसे कुछ पूछना था, और इतनी अच्छी आदत लंबा सा दुपट्टा, और वो मेरी फेवरेट टीचर होती थी, लेकिन सबसे हसमुख टीचर थी।
थैंक यू। देख लिया हमने आपका जोड़ा, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर आपने भी दिखाना है। आई एम गुड टीचर, प्लीज आई एम गुड। मैंने अपनी जिंदगी से वैलिडेशन खत्म कर दी हर चीज। मैं इनको यही बता रही थी, मैंने कहा हम अपने घर किसके लिए सजाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए? नहीं, मैं तो अपने लिए सजाती हूं भाई, मेरा अपना इंटरेस्ट, जनरल उसकी बात कर रही हूं। तो मैंने सजाया, ठीक है, मतलब मैं उसके लिए पागल नहीं हो जाती कि बस सब कुछ परफेक्ट हो, कोई आए तो बस, मतलब होते ना लोगों को, होते हर चीज़ को परफेक्ट कर दे, परफेक्शन कुछ नहीं होती है। तो बस जब अच्छा है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही आप चीज़ें लें, लेकिन चीज़ें भर लेने से या फिर उनकी सफाइयाँ कौन करे, कराची में तो मिट्टी इतनी होती है, तो मैंने वो खत्म कर दिया। तो टीचर आपका तो हार नजर आ रहा है। हाँ, मुझे जो दिखाना है वो बैठे बैठे वो नजर आ रही है। हमारी बहुत कुछ टीचर हमारी बड़ी शोधी हैं। अच्छा नहीं, मैं तो कहा कि बस आप प्रिंटेड दुपट्टा पहन लें, वो नजर आएगा, मुझे पता था, तो प्लेन जोड़ा है, वैसे ही नजर आ जाएगा। अभी हम फुल शॉट करेंगे ना एक? हाँ फोटो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। माइक ऊपर कर ले, कुदरती आवाज तोड़ के आएगी। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ना मैंने जल्दी से यूं देखा, मैंने कहा निधा का तो पूरा ड्रेस नजर आ रहा है और बहुत अच्छी मैचिंग दिखा रही है, वेरी नाइस। मैं दिखा चुकी हूं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अज़रा नाम है मेरा जी, और मेरा सवाल एजुकेशन के हवाले से है। मेरे जो बच्चे हैं वो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, और लेकिन मुझे ये फील होता है बहुत ज़्यादा कि मेरे बच्चों को अच्छी हाई एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे आजकल के हिसाब से ओ लेवल ए लेवल स्कूल्स हैं उनमें इंग्लिश अच्छी है तो, लेकिन मेरे फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकूँ, तो बस इसी हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी। क्या होता है आपके हिसाब से? प्लीज़। एक जैसे आजकल के हिसाब से ए लेवल्स ओ लेवल्स चल रहे हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम है, ये बस ये बात करना चाहिए। मैं बताऊँ, ये मैट्रिक वाले और दूसरे स्कूल वाले बच्चे ज़्यादा शार्प और ज़हीन निकलते हैं। आपको मैं बताऊँ कि हम इस वक्त मैं गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े या आप किसी नॉर्मल स्कूल से पढ़े तो आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह नहीं होगी। पहले हर बच्चे में होती है, आप अगर बच्चों को ये चीज़ डाल देंगे ना कि मैं तुम्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रही, तो उनके दिमाग में ये आप खुद फीड कर रही हैं कि जो स्कूल है वो अच्छा है ही नहीं। हमारे तो माँ बाप ने भी गवर्नमेंट बच्चों को तो पढ़ा है सब, और क्या, कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सब ने ऐसे ही पढ़ा बच्चों में ये पैदा करें। देखिए, अब जैसे मैं मिसाल देती हूँ, मैं उसका कल परसों की बैठी, मैंने कहा मुझे जवेरिया का बेटा, इसका बेटा, मुझे इस एज में कितनी लैंग्वेजेस आपका बेटा, उसने किसी स्कूल से नहीं सीखी, आजकल की ये मोबाइल चैनल से सीखी। उसका बेटा इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान का सबसे यंगस्ट जो है एनिमेटर है, तो ये उसने किसी स्कूल से नहीं सीखा, ये शौक डेवलप होता है। तो आपको अगर शौक है कि अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की क्लासेस तो कितनी इस वक्त मोबाइल में, जर्मन क्लासेस ले रही हूँ इसके ऊपर, तो आपने ये चीज नहीं डाले कि स्कूल बुरा है, मैं स्कूल की बजाय महंगा मोबाइल दिला दो, आप वो वाला मोबाइल कॉन्फिडेंस उनमें, कॉन्फिडेंस डाले मेन चीज है, और वो आएगा जब आप एक्सपोजर करेंगे, मुख्तलिफ दूसरी एक्टिविटीज करवा लें, कोर्सेज करवा लें, कोई स्किल सिखवा दें। अच्छा, वो यही कह रही है ना, फाइनेंशियली वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो कोर्सेज अगर बाहर से कराने के लिए भी जाहिर है उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो स्किल्स डेवलप। मेरा ख्याल है ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप यकीन माने यहाँ इस वक्त जिसमें आपको कोई पैसे नहीं देने होते, मैं इस वक्त अपना जर्मन क्लास कर रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं डिलिंगो से कर रही हूँ, इसी तरह उसमें आपके पास फ्रेंच है, इंग्लिश है, बहुत सारी, और इतनी अच्छी उसकी क्लासेस है, आप करके देखें। मुझे अपने अंदर फ़र्क महसूस हुआ, क्योंकि मुझे जर्मन को लेके मसला है, मुझे डच सीखनी थी तो मैं उसके ऊपर मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ नहीं, और सिंपल ये है कि किताबें लेकर आइए इंग्लिश की, सेकेंड हैंड मिल जाती हैं, इतवार बाज़ार में मिल जाती हैं, बहुत थोक के हिसाब से मिल जाती हैं, आप खुद भी रीडिंग करें, बच्चे आपको देखेंगे कि ये माँ का ये कौन सा शौक है, इन्होंने इतना अच्छा मशवरा दिया है। अगर आपके बच्चे, आपको लगता है कि उतने अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं है, आप अपने बच्चों को रीडिंग की आदत डाल दें, वो उनकी वोकैबुलरी, उनकी मतलब फ्लुएंट। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो प्राइवेट भी कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी, मैं हैरान, क्योंकि उनको रीडिंग का शौक है, किताबें देखना,
कुछ वीडियो में भी देख रहे हैं तो इंग्लिश देख रहे हैं, तो वो इस तरीके से वो बेसिक चीज यही है। देखिए हमारा, मैं यही कह रही थी कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना बस सोच लेते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है या ये नहीं हो सकता, या मैं कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, एक तो उसमें ना जाएं। दूसरी बात ये है कि जैसे सादिया ने कहा कि ऑनलाइन बहुत कुछ हो रहा है, तो अपने बच्चों को जब आप फ़ोन देते हैं तो इंस्टेंट क्या आप उनको सोशल मीडिया की तरफ डाल दें या वो उधर चले जाते हैं, बच्चे वो इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे होते हैं, आप उनका ध्यान इस तरफ लगाएं, क्योंकि माओं को खुद कुछ देखना होता है फ़ोन पर, तो बच्चों को उनको नहीं पता होता बच्चे क्या कर रहे हैं, तो एक तो आप उन्हें इस तरफ लगाएं कि वो उधर थोड़ी छोटी छोटी कोई भी चीज़ें जो भी देखें वो अंग्रेज़ी में देखें, कार्टून्स अंग्रेज़ी में देखें अगर छोटे हैं तो, और बड़े हैं तो रीडिंग जो बेस्ट है, रीडिंग की आदत से आपकी वोकैबुलरी इतनी बढ़ती है, आपके पास इतने अल्फाज आ जाते हैं। और बड़े बड़े नहीं, जब वो छोटे ही हों तभी उनके अंदर आदत डेवलप कराएं। क्या एज ग्रुप है आपके बच्चों की? एक की 12 माइकल, एक की 12 इयर्स हैं और जो सबसे छोटी हैं वो 8 इयर्स की हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी से पढ़ना शुरू, आप किताबें लेके बैठे हैं, मूवीज देखा करें, इंग्लिश मूवीज, ओल्ड मूवीज देखें, उसमें भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि अब तो अंग्रेजी भी बदल गया। अभी कि मैंने, अब मैं मीरब के स्कूल की चीजें देख रही हूँ तो अंग्रेजी के अल्फाज के मायने, अब मैं मीरब का कल टेस्ट ले रही थी क्योंकि आज उनका टेस्ट था, तो अब मुझे, मैंने मीनिंग्स पढ़े और वो उस मीनिंग को जज करके मुझे बता रही थी कि इसके साथ जो है वो इंग्लिश का लफ्ज कौन सा होगा, तो मायने भी। इसलिए मैं आपसे ऑनलाइन कह रही थी कि ऑनलाइन आपको इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि अब नई इंग्लिश क्या है भाई, नई चीज़ें क्या है, जिस तरह मैथ पूरा का पूरा नया बदल गया। हमारे दौर में हम जो था तफरीक और जमा और अलजबरा कर रहे होते थे, अब बिल्कुल अपवर्ड्स टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ऑनलाइन। लेकिन सच्ची बात है, मैं जैसे अपने बच्चे को होमवर्क कराती हूँ जबकि वो सिर्फ 5th क्लास में है, तो मैं मुझे दोबारा से वहाँ जाना पड़ता है कि जो मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मैं YouTube खोलती हूँ और YouTube पे मुझे एग्जाम्पल मिल जाती है। तो इतना मुश्किल भी नहीं रहा है अब बच्चों को पढ़ाना। आपने जो भी आपने उनको पढ़ाना है उनको नहीं समझ आया, माँ बाप की भी जरूरत नहीं है, वो ठक 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 आप YouTube पे डालेंगे और आप आ जाएगा सारा, बहुत सारी चीजों के जवाब। फोन जो है ना एक गैजेट है, अब उस गैजेट को हम कैसे यूज करते हैं, हमने अगर उसको पॉजिटिवली यूज करना शुरू कर दिया तो हमारे और हमारे बच्चों की जिंदगी में फायदा होगा। और दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखें क्लास में 50 बच्चे होते हैं, 50 के 50 फर्स्ट नहीं आएंगे, तो आप अपने बच्चों को उधर से भी जज नहीं करें कि अगर ये 10th ग्रेड आ गया है या 20th ग्रेड आ गया है तो मेरा बच्चा कुछ डम है, डम नहीं होता, उसको सिर्फ जरूरत होती है काउंसलिंग की, आपको उसका इंटरेस्ट जानने की जरूरत होती है। और फिर अगेन माँ इसीलिए होती है कि ये नहीं है कि क्वालिटी टाइम, ये नहीं है कि आप 12 घंटे बच्चे के साथ हैं, क्वालिटी टाइम ये है कि 2 घंटे आप बच्चे के साथ हैं लेकिन साथ साथ उसकी जहनी तरबियत कर रही हैं, हो रही है, क्योंकि आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, तो आपको उसके इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। अब उसका इंटरेस्ट है ही नहीं किसी चीज़ में और आप उस पर ज़बरदस्ती थोपेंगे ये करो तो भी नहीं हो सकता, और अब दौर भी वो नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ चलते। मेरा सवाल ये कि मेरी बेटी 15 साल की है और वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसको बहुत शौक है रील्स बनाने का, टिकटॉक्स बनाने का। मैं बहुत उसको समझाती हूँ कि बेटा ये नहीं करो, अच्छी एजुकेशन दे रही हूँ, अच्छे से अच्छा खिला रही हूँ, अच्छे से अच्छा पहना रही हूँ, लेकिन उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ है, वो बस कहती है मैं सोशल मीडिया की तरफ एक्टिव रहूँगी। देखिए मेरी बेटी तो 15 से ज़्यादा बड़ी है, तो मेरे हस्बैंड ने उसे इजाज़त नहीं दी थी, उसने उसको इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह रील्स बना के, और हम शोबिज में हैं, शोबिज में जो लोग होते हैं उनको बहुत लिबरल समझा जाता है, सो हम लोगों ने तो उसको इजाज़त नहीं दी हुई अभी कि वो इतनी रील्स बनाए। ये तो आपके हाथ में है कि आप उसको इजाज़त दें, पहले वक्त में मना करना था, शुरू से मना करना था। एक दफा उसको मना करती हूं, दूसरी दफा मना करती हूं, आप अपने हस्बैंड को बोले, तीसरी दफा यहाँ अब्बा काम आते हैं, अब्बा का डंडा काम आता है। देखिए उनके पास फोन है अपना, आपकी बेटी के पास अपना फोन है जी, नहीं तो 15 साल की बच्ची को आपने फोन दे दिया अपना और उसको इतनी इजाजत दे दी, क्योंकि वो रील्स बनाती है, आपको पता ही होगा ना कि आपके सामने ही बन रही है, तो आपके हस्बैंड कुछ नहीं कहते, आप लोग खुश होते होंगे शुरू में वो देख के? जी, बस हमसे थोड़ी सी मिस्टेक यही हुई कि शुरू में हम लोग थोड़ा खुश हुए, अब मैं उसको समझाती हूँ, एक दफा समझाती हूँ, दूसरी दफा, तीसरी दफा, फिर वो बदतमीजी करने लगती है। बच्चियाँ जब छोटी होती, बच्चियाँ या बच्चे जब वो इतनी छोटी एज में होते हैं, देखिए ना आप आजकल छोटे छोटे बच्चों ने इस तरह की रील्स बनाना शुरू कर दी, जो हम कह रहे होते हैं ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनका बचपन खराब हो गया है, नाइव होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको कोई भी उनका दोस्त चढ़ा देता है उनकी ही उम्र का, तो वो कहते हैं हाँ भाई आप, वो बच्चियाँ जो नॉर्मली आते जाते उस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती, वो उन्होंने उस पर की हुई होती है स्क्रीन, मतलब लाइक रील्स में। गलती करते हैं ना कि हम खुश होते हैं देख के, बच्चा या बच्ची जो भी, हमें ये देखना है कि हमारे बच्चा भी किस उम्र में है,
तो हमने 5 साल 6 साल के बच्चे को भी जो है ना 16 साल की तरह हम ट्रीट करते हैं, तो हमें एक तो ये देखना है कि बच्चा अभी उम्र के किस हिस्से में है और उसको कितनी हमें आजादी देनी है। लेकिन देखिए तो अब वो टोटली मना भी नहीं कर सकती अपनी 15 साल की बेटी को, क्योंकि पहले मना नहीं किया आपको, लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अभी भी वो अडल्ट नहीं है, 15 की है, आपको थोड़ी रिस्ट्रिक्शन या फिर उसका दिमाग किसी और तरफ चेक करें कि वो किस तरह की रील्स है, ये तो आपके सामने ना, फिर आप वो कर सकती हैं कि ये क्या बना क्या रही है, क्या किस तरह मतलब नॉर्मल बनाती है, लेकिन वो पढ़ाई से बिल्कुल हट गई है, पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है उसका प्रॉब्लम है। अच्छा, वो आगे से अब डिमांड्स ये करने लगी है कि मुझे नए नए कपड़े चाहिए, नई नई जगहों पर जानी है, मुझे वहाँ से जाके रील्स बनानी है, मुझे वहाँ जाके पिक्चर्स लेनी है, तो ये चीज मुझे आपके हस्बैंड से बात किया आपने? जी जी मैंने की है, वो भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए हैं उनके साथ, लेकिन अब हम लोग उनके साथ स्ट्रिक्टनेस करते हैं तो वो थोड़ी सी फिर वो बदतमीजी पर आ जाती हैं, रिबेलियस हो जाते हैं बच्चे ना। या नहीं, देखिए बदतमीजी अब मैं कह नहीं सकती क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो मैं यहाँ बैठी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि आप थोड़ी सी सख्ती बच्चों के साथ जरूरी होती है, लेकिन सख्ती 15 साल की बच्ची बहुत छोटी है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपसे बदतमीजी करे और आपसे करने दे। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग शायद इकलौती है वो बच्ची, जी जी एक ही, तो आप लोगों का प्रॉब्लम यही है ना कि आप लोगों ने उसको शुरू में बहुत ज़्यादा आज़ादी दी, बहुत ज़्यादा लग्जरीज दी, हर चीज़ दी, अब वो करी, लेकिन अब भी वक्त है, आप बहुत ज़्यादा सख्ती से शुरू करना पड़ेगा मुझे लगता है आपको, कि आपको एक तो उनसे फ़ोन उनका ले लें और उनको एक नॉर्मल फ़ोन दें जिससे आप सिर्फ कनेक्शन में रह सकें, कॉन्टैक्ट में रह सकें। स्मार्टफोन्स आपने बच्चों को दे दिए हैं, फिर वो रील्स बना रहे हैं, उनके अकाउंट्स बने हुए, तो दिस इज नॉट शर्त रखें कोई। मैं ये कहना चाहूंगी कि एकदम आप नहीं कर सकती, नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता करनी पड़ेगी आपको, आपको डिसिप्लिन ये करना पड़ेगा, मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए मोबाइल दूंगी या मैं तुम्हें 3 घंटे के लिए, अगर आप उनसे बिल्कुल ले लेंगे तो 15 साल की हाँ। कुछ भी वो कर सकते। अच्छा, एक चीज और ये आपके लिए से ज्यादा वो सारी माएं जो इस वक्त हमें देख रही हैं कि कुछ चीजें आपने पहले डिसाइड करनी होती हैं। देखिए हाँ। बच्चों को जब तक आप लोग ना हर चीज, मेरी भी अकलौती बेटी है, एक औलाद है मेरी और मेरे लिए वो जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन उसको पता है कि मेरी अचीवमेंट के बाद मुझे कुछ मिलना है, मोबाइल उसके पास भी है सिर्फ मम्मा कॉल कर सके, उसके अलावा उसको कोई इजाजत नहीं है ना। आज ये पहले करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मीरब का क्यों नहीं आप यूट्यूब चैनल बनाते, मैं कहा मुझे उसे जरूरत नहीं है, क्यों वो बनाए, उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अभी यूट्यूब पे डाले, तो कोई हम मैंने उसको रोका, उसके पास बड़ा मार्जिन था, शोबिज की माँ थी, वो हर शो में आती रही है, लेकिन कभी उसको मैंने खुद से रोकना पड़ता है। बच्चों को अगर वक्त से पहले लग्जरी मिल जाती है और उन्हें एहसास ही ना हो कि पैसा कमाना कितना इम्पॉर्टेंट है और उनको हर चीज़ हम पहले दे दें, आपको पता है 10 साल की मीरब नोज कि अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो मैं कहती हूँ आप प्रे करो, आप अपने दोस्त अल्लाह मियाँ से मांगो, आपको चीज़ मिलेगी, देखो आप थोड़ी एफर्ट, 4 आपके गुड वाले मुझे मिल गए ना, इगी पॉइंट आ गए आपके अच्छे, तो इस पे आपका ये वाला गिफ्ट ड्यू होगा, अचीवमेंट है उसके पास, उसको पता है कि आज का टेस्ट प्यास पैदा करे, भूख पैदा करे, अचीवमेंट है। बच्चा किसी भी क्लास से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसके माँ बाप के पास पैसा भी हो कि उसको हर चीज़ दे सके, लेकिन बच्चे के अंदर प्यास रखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ज़िंदगी में खुद कुछ अचीव नहीं कर पाता। वो कब से मुझसे कह रही मम्मा मुझे ये वाला फ़ोन जो हर बच्चे के हाथ में, मैं कह नहीं बेटे अभी नहीं, मिलेगा, बोले ना, मिलेगा अभी, मैं इससे बेहतरीन फ़ोन ला कर दूंगी, अच्छा रिजल्ट होगा, तुम रिजल्ट अच्छे ले आओ, पढ़ाई कर लो, इस पर भी ध्यान दो थोड़ा सा, बिल्कुल अगेंस्ट करेगी ना तो वो बहुत ये वाली भूख पैदा करे। हाँ। ये लालच सबसे अच्छी होती है कि ये रिजल्ट अच्छा आएगा ना, अब यकीन हाँ। माने अब वो उस रिजल्ट के लिए मुझे पता आज उसका टेस्ट है और वो शिद्दत से मेरा इंतजार कर रही होती है, मम्मा ये आ गया, ये 2 मेरे गुड वाले हो गए, अब 2 और रह गए, बस फिर हमने मॉल जाना है, तो आप और ये नहीं कि मॉल जाके उसने को लाखों की चीज पे हाथ रखना है, छोटी छोटी सी उसकी चीज़ें, लेकिन हाँ मिलती तब है जब अचीवमेंट पूरी होती है, तो मेरा ख्याल है कि ये तरबियत का हिस्सा है, ये आपने तरबियत करनी है, मैंने इस तरह की, मैंने आप लोगों से शेयर की, तो आप प्लीज़ इससे अगर कुछ सीख सके तो जरूर सीखेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान क्लासरूम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो एक ऐसी क्लास जिसमें प्रैक्टिकली ज़िंदगी जो गुजारी, जो हमने गुजारी, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लिए, और हमने इस प्रोग्राम का नाम बेसिकली क्लासरूम दे दिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में रोज़ जिनके साथ भी हम बैठते उठते हैं बेसिकली वो क्लासरूम ही होती है। हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमने अपने अपने बड़ों से नहीं बल्कि अपने बराबर वालों से सीखी हैं, बहुत सारे गेस्ट यहाँ आते हैं, बहुत कुछ सिखा के ज़िंदगी में मुझे गए हैं,
सो मैं तो कहती हूँ मैंने अपनी टीचर से ज़्यादा प्रैक्टिकली जो अपनी जॉब है उससे हाँ, बहुत कुछ सीखा है। और आप लोगों ने भी अगर आप ड्रामे कर रहे होते थे अलग अलग लोगों के साथ बैठ के होते हैं। के अंदर होते हैं ना आप हाँ, तो वो फिर कैरेक्टर्स आप बहुत क्लासरूम में तो सिर्फ बैठते हैं ना और 50 लोग आपके अतराफ में जो होते हैं वो हर कोई अलग खानदान से अलग मिजाज लेके आया होता है तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा जब भी कोई चीज होती है या कोई बुरा या अच्छा होता है तो बंदा कहता है भी लेसन लर्न यस तो ये तो होता है बिल्कुल और मैं कहती हूँ अच्छी चीज तो कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए कोई भी सिखा रहा हो आप ये देखे कौन कह रहा है ये देखे क्या कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल और वही अच्छी चीज हमेशा आपके दिल को लगती भी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अस्सलाम वालेकुम मैं नवंबर खान है अच्छा मैं ऊंचा बोल मैं नवंबर खान है और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेबीज नहीं हो रहे 3 साल हो गए मेरी शादी को जैसे जैसे वक्त हल्के हल्के गुजर रहा है मुझ पर यही इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ के बच्चे नहीं हो रहे सास की प्रॉब्लम मेरे साथ यही है अभी तक की तो सास ही बोल रही थी लेकिन अब तो मेके वाले भी मुझे बोल रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं हुए अभी तक के शादी ब्याह में भी नहीं चाहिए थोड़ी करना ये सब कुछ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है मैं ऐसा फील कर रही हूँ अपना खुद कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ की प्रॉब्लम मेरे साथ है क्योंकि सब चीज़ें सही हैं और डॉक्टरी रिपोर्ट आपको क्यों लगता है ऐसे तो और अगर खुदा ना खासा ऐसा मसला है भी तो सोच के अल्लाह की मर्जी है ये अल्लाह की मर्जी है लेकिन सास जो होती है वो तो बहू को कहती है ना इस बात के लिए डिपेंड तो बहू होती है सास को तो मैं तो इस मामले पर ज्यादा बोलूंगी नहीं क्योंकि ये तो रिश्ते ही ऐसे है लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि अपनी सास को ना आप कुरान शरीफ की एक आयत है उसका तर्जुमा पढ़वा दीजिएगा कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं उसमें कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ जिसे चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ जिसे चाहता हूँ बेटे और बेटियाँ मिला जुला कर देता हूँ और जिसे चाहता हूँ बे औलाद रखता हूँ कहना अब ये पढ़ लें उसके बाद ये कि टेस्ट करा लें अगर कुछ भी नहीं है तो फिर सब्र करें बस और अपने आप को तो बिल्कुल भी आप वो ना करें तो बस फिर आप क्यों टेंशन ले रही हैं मुझे क्या मुझे ना कहें अल्लाह से बात करें अल्लाह अल्लाह से मिला करें टेंशन इस बात पे होती है फिर मैं जैसे तकरीबों में जाती हूँ दावतों में जाती हूँ मुझे शर्मिंदगी होती है किस बात की मेरे जाहिर सी बात है वे भी नहीं होते तो उसमें शर्मिंदगी इस बात की होती है यार खुदा का खौफ करें फिर आपका अपना ज़हनी प्रॉब्लम है ये हाँ। जी मेंटली डिस्टर्ब हूँ इस चीज़ से तो आपने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर थेरेपी ली अगर आपको इस चीज से आपकी इस चीज से आपके दूसरे काम भी डिस्टर्ब होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो रहा है तो आप थेरेपी लें उससे फर्क पड़ेगा आपको क्योंकि दिमागी सुकून बहुत जरूरी है और फिर जब यही आपके दिमाग में चीज आ जाती है ना तो नेगेटिविटी लड़कियां कंसीव भी नहीं कर पाती उस प्रेशर और उस खौफ की वजह से कुछ लोगों को 10-10 साल बाद भी मैंने सुना है कि बच्चे होते हैं औलाद होती है अपने आप को पॉजिटिव रखें मैनिफेस्ट किया करें अगर आपको वाकई ऐसा है और आपको लगता है सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो आप उस कुदरत के आगे आप मैनिफेस्ट करें कि हाँ मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ मेरी औलाद है मेरे बच्चे ये मैनिफेस्ट करें सोचना शुरू करें देखिएगा आप जब बुरा सोचेंगे आपने सुना होगा बड़े बूढ़े कहते थे ना अच्छा सोचोगे अच्छा होगा आप सोच ही गलत रही हैं कि मेरे पास मेरी औलाद नहीं होगी आप जब नहीं का वर्ड बोल रही हैं बार बार तो वो आप कुदरत को ही जवाब नहीं होगी वो है मेरे पास एक सेहतमंद औलाद मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत है यूट्यूब पे भरी हुई है अपने मतलब की निकाले सब कुछ इंटरनेट पर है और सब कुछ यहाँ है जो जो आप सोचते हैं ना आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है तो अगर आप सोचेंगी ये मैं नहीं कह रही कि कोई फरिश्ता एकदम बंदा को सोचना छोड़ देगा नहीं हम भी सोचते हैं लेकिन बहुत जरूरी है अपने आप की खुद अपने आप को करेक्ट करना अपनी करेक्शन करना और आप अच्छा सोचना शुरू करेंगी तो आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा अल्लाह से दुआ करें ये बेस्ट अच्छा अच्छा सोचने से पहले ना मुझे ऐसा लगता है थोड़ी से अल्फाज आपको अच्छे सुनने होंगे जब तक कोई मोटिवेशनल बात नहीं करेगा ना आपको कन्विंस नहीं करेगा कि तुम ये ऐसी हो तुम अल्लाह की बंदी हो और तुम क्या कुछ नहीं कर सकती हो ये सारी चीजें जब तक आपके कान से दिमाग में अंदर नहीं जाएंगी ना आप यकीन माने अल्लाह आपसे प्यार करता है और उसकी नजर है आपके ऊपर वो कहता है मैं तकलीफ देता ही उसे हूँ दुख देता ही उसे जिसको मैं चाह रहा हो तो वो मेरे करीब हो तो आप तो ब्लेस्ड हैं इतने लोगों में आपको यकीन हो गया कि उसकी नज़र आपके ऊपर है तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल पॉजिटिवली लें अपने दिमाग को भी पॉजिटिव मैसेज दिया करें कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मैं खुश हूँ सबसे पहले लव योरसेल्फ अपने आप से प्यार करना शुरू करें बिल्कुल अपने आप को कहीं से भी गिल्ट फील ना कराएं कहीं से भी अपने आप को बार बार अपने आप को खुद ना कहें
दुनिया क्या कहती, दुनिया को खुश हम नहीं रख सकते, हम अपने सगे भाई बहनों को, अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकते, तो हम दुनिया को कैसे खुश, हम सिर्फ अल्लाह को खुश कर सकते, उससे राजी हो जाए और वो आपसे राजी से मांगो। हाँ, बड़े एक बात कहते थे जो मुझे बहुत लगती है मेरे दिल को, कि अल्लाह ताला से ना जबरदस्ती कोई चीज नहीं मांग के लो, इसलिए कि देखें क्या अभी पता तो आपके हक में है, क्या पता वो आपके हक में बेहतर ही ना हो। कभी कभी आप जबरदस्ती जो मांगते हैं, मैंने कुछ लोग देखे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसी औलाद भी दे देते हैं कि वो भी उनके लिए आजमाइश बन जाती है किसी भी तरीके से, चाहे फिजिकल इश्यूज हों उस बच्चे में, मेंटल हों, या फिर बड़े होकर कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए बेहतर है अल्लाह ताला से आदमी औलाद मांगे, लेकिन सेहत तंदुरुस्ती वाली, जिंदगी वाली, खैर वाफियत हक में बेहतर, जो आपके हक में बेहतर हो। मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम मामलात आपके सुपुर दें, आप उन्हें मेरे हक में बेहतर से बेहतरीन से बेहतरीन तरीन कर दें। तो बस ये मांगें, बाकी ये जो ज़हनी प्रॉब्लम या सोच आपको आती है उसको हटा दें। आपके हस्बैंड आपके साथ, उनका तो नहीं रवैया? हस्बैंड तो कुछ नहीं कहते, बस सास तो, पहले तो सास कहीं थी, अब मैके वाले उस दुनिया में देगी, बस मैके वालों से खुश नहीं होती, आप दोनों खुश हैं आपस, मैके वालों से तो ताल्लुक ही खत्म हो जाता है जब आपकी शादी हो गई है। तो अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो कभी कभी कहते होंगे क्या ना, भाई मुझे ना बोले, मुझे नहीं सुनना, मेरा मियां मैं खुश हूं, सुन के दूसरे हां और घूमो फिरो खाओ पियो, हां आराम से खुश रहो प्लीज। हां भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है और मेरे 3 बच्चे हैं। और मेरा सवाल ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो घर के सबसे बड़े बेटे हैं और सब और 4 भाई भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर है, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी उनको उनके ऊपर है। तो अब जो मुझे वो पॉकेट मनी देते हैं मंथली बच्चों के लिए, तो उसमें से वो कटौती करने लगे, तो वो मैं ये अम्मी को ये समझाती हूँ, मैंने अम्मी को बहुत दफ़ा दबे लफ्ज़ों में भी ये कहा है कि आप जो है ना मतलब समझाएँ, लेकिन वो ये इस चीज़ पे एग्री नहीं होती, वो कहती वो जी 4 भाई हैं बाकी, वो नहीं लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो साथ ही रहते हैं। जी वो साथ ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ज्यादातर जो जिम्मेदारी है वो मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड ज्यादा अर्न करते हैं सबसे? नहीं, सारे अर्न करते हैं, नहीं मतलब सबसे ज्यादा कमाते हैं, नहीं बड़े हैं सबसे, सबसे बड़े हैं, प्रॉब्लम की भी शादी हुई जी, बाकियों की भी शादी हुई है, सबके बच्चे, लेकिन सब कंट्रीब्यूट सबको करना चाहिए एक साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी सास कहती है कि वो सबसे बड़े हैं, जिम्मेदारी उन पे, वो सबसे ये बैलेंस तो आपकी सास को रखना था, ये कोई तरीके कार्ड नहीं, क्योंकि उनकी भी अपनी एक लाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, और अब वो प्रायोरिटी पे आना है उनके, क्योंकि अल्लाह उनसे उनके फैमिली के बारे में पूछेगा कि जो तुम्हारे निकाह में आई औरत उसका तुमने हकूक पूरे किए या नहीं किए, या तुम्हारी औलाद के तुमने, ये बेसिकली आपकी मदर इन लॉ का काम है कि वो मदर इन लॉ का काम है, लेकिन बाकी जो भाई हैं उनका दिल नहीं चाह रहा होता कि घर में कंट्रीब्यूट करें, इतना नहीं करते, बस के लिए कुछ कर दें वो। तो वो मैंने अपनी सास को 2-3 दफा समझाया भी है दबे लफ्जों में, लेकिन वो नेगेटिव ले लेती है इस बात, आपके हस्बैंड आपको दबे लफ्जों में समझाने की जरूरत नहीं, खुले लफ्जों में वो नेगेटिव ले लेती है हर चीज को। आपको थोड़ा सा देखो, कभी कभार घर में वो होता है ना कि शोर करना पड़ता है, किसी चीज पर आवाज उठानी पड़ती है, आपके बच्चों का हक मारा जा रहा है, जो आपके हक के लिए तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी ना, आपके हस्बैंड से बात कह सकती है कि आपने जितना करना है घर के लिए करें, आप ही करें, लेकिन जो बच्चों को देने का है आप वो पूरा कर दें, पूरा करें, आपने जितना देना है अपनी मर्जी से देते रहे, वो जो मुझे पॉकेट मनी मिलती है उसमें से वो आहिस्ता आहिस्ता करके कटौती करते जा रहे हैं, जो वो अपनी मदर मेरी मदर इन लॉ को जो पैसे देते आप और बच्चे उसमें नहीं करेंगे, तो महंगाई अब इतनी है, कभी कभार बच्चों के अखराजात भी नहीं चाहिए। हाँ। और अगर आप हक के लिए तो आप और फिर घर का खराब होने लग जाता है, वो तो सही है, लेकिन फिर बाकी दूसरे भाई भी तो सोचेंगे ना कि भाई, तो आप उनकी बेगमात से भी कह दें, उनकी बेगमात से कि भाई आप लोग भी ऐड करें अपने हस्बैंड्स को, बोलें और ही झगड़ा हो जाएगा, बेगमात को नेगेटिव ले लेते हैं हर बात, जॉइंट फैमिली है, मियां जो है वो आपके मियां को बोलना चाहिए इसमें, जो सबसे कोई अगर बात ऑथेंटिकली कह सकता है वो आपके हस्बैंड कह सकते हैं, क्योंकि ये कहेंगे तो ये वैसे होगा कि जी नहीं, वो बात नहीं करते अपनी मम्मी से, आपने बात की उनसे? जी मैंने उनसे भी बात की 2-3 दफा, वो कहते हैं कि नहीं मेरी जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ है, तो कहना बस फिर तुम एक काम करो इधर ही रहो, मैं जा रही हूं। नहीं नहीं ऐसा कुछ ना करिए भाई, आप अपनी मदर को जो कुछ करना चाहते हैं करें, तो अगर घर जॉइंट है और 3 फैमिलीज और हैं आप लोगों के अलावा, तो सबकी जिम्मेदारी आपके हस्बैंड के ऊपर तो नहीं है, आपके हस्बैंड कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके ससुर का बिजनेस चला रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है, वो मतलब ससुर मेरे हयात नहीं है। नहीं नहीं मतलब उनको जो प्रॉपर्टी या जो भी काम वो करते हैं क्या उनको अपनी विरासत में मिला है? वो उनके वो पता है एक्चुअली ये होता है कुछ घरों में कि वो कहते हैं कि भाई जारे मेरे वो सास सोचती होंगी कि मेरे मियां ने जो भी कमाया तो बड़ा बेटा है इसी को मिला है सब कुछ, तो ये उसी में से बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारा हक ज्यादा बनता है, मेरा ख्याल है ऐसी बात ये भी हो सकता है। और उन्होंने भाई भी चला रहे हैं, जो 4 भाई है सब चला रहे हैं,
लेकिन कंट्रीब्यूट जो ज्यादा करते हैं ना वो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो भाई फिर अब ये तो मेरी तरफ ज्यादा वो करते हैं, मेरी तरफ से फिर कटौती करते जाते हैं। उसूल होना चाहिए कि अगर सबका जॉइंट बिजनेस है तो एक घर का खर्चा अलग निकलना चाहिए, फिर सबके अलग अलग पॉकेट मनी भी है, तो ये होता है कुछ ऐसी तरह। अगर हस्बैंड कुछ बोल नहीं रहे हैं वो भी मतलब लाइक अगर कुछ बोल नहीं रहे हैं और वो कर रहे हैं ऐसा, तो फिर आपको शायद नहीं पता होगा तो वो शेयर सा हो सकता है ज्यादा ले रहे हो ऐसा भी हो सकता है। आप अपने कटौती की बात करें बस चलिए। बस मैं ये कह रही हूँ ये करें आप ये भी ना बोले कि जी घर में क्यों दे रहे हैं, जॉइंट बिजनेस है। हाँ वही मैं सोच रही हूँ, आपके जितना देना दे अल्लाह आपको इससे ज्यादा दे आप और दे, बस आप मेरे और मेरे बच्चों का जो खर्चा ये मुझे इसमें कमी ना इसमें वो, और प्यार से लड़ झगड़ का कोई काम नहीं होता। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या मसला है किसी को मेरा सदफ नाम है मेरा, और मेरा जो प्रॉब्लम है मेरे सदफ माइक करीब करीब, मेरे हस्बैंड गुस्सा बहुत करते हैं। क्या गुस्सा बहुत करते हैं? अरे तो उनका प्रॉब्लम है। ये औरतों के लिए बहुत बड़ा मसला होता है जब गुस्सा होता है, हैंडल तो इन्होंने ही करना है ना, कोई इशू भी नहीं होता और वो मतलब बात इशू बन जाती है, मतलब समझ में नहीं आता कि इनको गुस्सा आ क्यों रहा है। ये शुरू से जब से आपकी शादी हुई है तब से ऐसा मिजाज है जी? और कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 11 साल हो गए। तो फिर ये तो मसला रहा ही नहीं ना, आपने तो उसको उनकी आदत बना दिया। मसला ये कि मसला हैंडल नहीं करना नहीं, रहा। मसला ये कि वो गुस्सा करते ना मैं खामोश रहती सही है ठीक है मैं बिल्कुल खामोश रहती हूँ, उनको जवाब नहीं देती कुछ नहीं करती, लेकिन वो इतना ज्यादा शोर हो जाता है वो कभी कभी कि वो जाहिर सी बात है पड़ोस में आस पड़ोस में आपने करीब करें माई जी आपने ही उनकी आदत डाली है ना। देखें जब शुरू से आप 11 साल से आप खामोश खामोश रहेंगी तो एक बंदा शेर होता जाएगा। नहीं लेकिन ये बहुत अच्छा कर रही है। नहीं मैं ये नहीं कह रही अपने लिए खामोश रहती है, मतलब चेड़ नहीं रही है। अगर गुस्सा अगर कभी कभार कोई आप पे गुस्सा कर रहा है और आप चुप रहे हैं उसकी आदत बन जाती है, आपको भी गुस्सा नहीं करती लेकिन वो गुस्सा आप पर करते हैं। हाँ मतलब कोई बात नहीं होती है, गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे ना। इसका देखिए हल ये होता है कि जब वो गुस्से में ना हो नॉर्मल उसमें मूड में हो तो आप उन्हें बताइए कि भाई ये बहुत आप गलत कर रहे हैं, घर में बच्चों की जहनी सेहत खराब हो रही है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रही हूँ, अगर आपने सारी जिंदगी ऐसे ही चलाना है तो ये तो मुश्किल हो जाएगी जरा, तो आप इस पे सोचें अपने रवैये पे गौर करें। कोई तावीज घोल के पिला तुम तो मुझे मरवाओगी माफ कर दो, हमने ये भी करके देखा है। अरे तावीज क्या है? अच्छा, मतलब हमने ये भी करके देखा है। मैं अकेली नहीं, पढ़ाई करके उनको पानी पिलाती हूं। मैं अकेली नहीं थी, मैं मेरी मदर इन लॉ जब हयात थी अभी 2 साल पहले की बात है, तो बहुत गुस्सा करते थे। मेरी मदर इन लॉ मेरा साथ देती थी, मतलब मेरा साइड लेती थी, तो वो मुझे एक दिन कहने लगी कि सदफ चलो कोई है अगर कोई किसी से पूछते कोई मिल जाता है पढ़ने के लिए लेकर आए। नहीं 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 कोई पूछने की जरूरत नहीं, नहीं मैं एक बात बता रही हूं, अपनी एनर्जी पानी में डाल के ना उनको दीजिए प्यार कि आप मुझसे मोहब्बत करें, आप मेरी इज्जत करें, जो अभी हम बात कर रहे थे मैनिफेस्ट करने की ये एनर्जी है। लेकिन मैं वही बताना चाह रही हूँ, मतलब इन चीजों से हमें कुछ नहीं होता, ये तो अपने अंदर सवारी होनी चाहिए, लेकिन इससे होते जो हम आपको कह रहे हैं बचपन से ऐसे ही थे आपके हस्बैंड जी, गुस्सा उनको बचपन से ही बहुत आता है। इसका मतलब है कि उनका बचपन का भी कोई ट्रॉमा होगा ना, कोई बैकग्राउंड होगा, अब वो सारे उनका ट्रॉमा समझिए ये है कि उनके जो फादर थे उनके पैदाइश की 3 मंथ्स के बाद उनके डेथ हो गई थी। अच्छा। तो वो सारे बहन भाई बड़े थे, सबने मिलके उनको पाला, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार दिया कि वो मतलब हर चीज उनकी सुनते रहे, सब उनकी हर बात मानते रहे, मतलब बिगाड़ के आपके हवाले कर दिया उन्होंने सब। नहीं मैं वाकई बता रही हूँ, सादिया भी इस चीज को हमने भी एक्सपीरियंस किया है। आप खाने में पानी में आप अपनी एनर्जी डालें, पॉजिटिव एनर्जी। हाँ पॉजिटिव एनर्जी क्या, पॉजिटिव ही रहती है, नहीं बात नहीं है, सोचे कि वो गुस्सा करते हैं ये उनमें बहुत गुस्सा है, आप ये सोचें मेरे मियाँ कितने बदल गए हैं, मेरे मियाँ का गुस्सा खत्म हो गया है, मेरे मियाँ कितने प्यार से बात करते हैं, सबको हैरान, ये मैसेज देना शुरू करें, बातें डालना शुरू करें, और देखें आप थ्रू पानी थ्रू खाना, ये पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं इसे, ये जो है लेकिन एक गुस्सा करते हैं, लेकिन मैं इस चीज को अपने पर हावी नहीं करती कि मैं बहुत मतलब टेंशन में रहूं या मैं अपने बच्चे के लिए कोई सोचूं कि अपने बच्चे को बोलूं कि आपके फादर मेरे साथ ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर चीज नेगेटिव रखती हूं। आप भी यही सोचें वो बेचारे बीमार हैं, ट्रॉमा से गुजरे हैं। कभी कभार हम लोगों को बंदा थक जाता है, हम लोगों को जो है ना एक झटका देने की जरूरत है, दूसरा आपको जब फॉर ग्रांटेड लेने लगता है ना कि भाई ये तो कुछ करती नहीं, जब मेरी मर्जी होगी मैं गुस्सा करूंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं जो भी करूँ,
थोड़ा झटका देने की जरूरत पड़ती है दूसरे को, ताकि वो खुद सोचे कि मैं अपने आप को सही कैसे करूं, वरना तो वो अपने आप को कभी सही नहीं करेगा। ये हमारे ऊपर है, अगर हम चीख के बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं और दूसरा चुप करके सुन लेगा और छुप जाएंगे सब। देखिए घर का एक होता है ना, वो हो फलाने मामू है ना भाई, उनसे तो दूर रहो, बहुत ऐसे वो अकेला हो जाता पर्सन, वो बहुत जो ऐसे उनके सामने ऐसी बात ना करना, हवा बनाया हुआ होता है। अगर उनको कोई झटका देने वाला आ जाए ना फैमिली में, वो खुद सोचते हैं भाई आपके बच्चे, अब मुझे अपने आप को चेंज करना। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। कितना बड़ा है वो? 10 इयर्स के। तो बच्चे के थ्रू भी आप बात कर सकती हैं अपने हस्बैंड से कि देखिए हमारा एक ही बेटा है और उसको कितना ज्यादा असर पड़ रहा है या वो कितना सीख रहा है, या आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटा आगे जाके इस तरह का ज़हनी मरीज बन जाए बाप का ये रवैया देख देख के? तो यू नो ये थोड़े से आपको आपको ना आवाज उठानी पड़ेगी थोड़ी। अब बहुत नहीं, मैं अपने बेटे को ये सारी चीजों से समझाती हूं, बेटे को नहीं बाप को समझाती हूं कि अगर फादर नहीं, बेटे को इसलिए समझाती हूं कि अपने फादर अगर ये गुस्सा कर रहे हैं या मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर रहे हैं, तो आपने किसी भी औरत के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। चाहे वो कुछ नहीं होगा, आप ये जो बच्चियां हैं ना, ये माँ का दूसरा रूप होते हैं और जो बेटे हैं ना वो बाप का दूसरा रूप होते हैं। वही सीख वो है जो आपके मियाँ कर रहे हैं आपके बच्चे में जज्ब हो रहा है, और फिर कल को जो आपकी बहू आएगी वो आपको ही कहेगी कैसा पाला है। हाँ। इल्जाम आप पे जाएगा। कभी कभी स्टैंड लेना भी, आई थिंक कम्युनिकेट करना जरूरी है। और फिर अगेन वो झटका जरूरी होता है, जरूरी है कि भाई फिर क्या करें कि अब मेरी बस हो गई। हाँ। एक दफा बताना बड़ा जरूरी होता है, देखिए इतने अरसे के रिश्ते में एक दफा बताना जरूरी होता है कि अब मैं थक रही हूँ। हाँ। और मेरी बच्चा 10 साल का है। हाँ। मेरी बस अब उसको समझ आएगी और वो चीजें जज्ब करेगा, वो कर चुका होगा, वैसे ही बनेगा। वो बचपन से कर चुका होगा सारी। नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत समझदार है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई मतलब पॉजिटिव। ब्रेक के बाद आते हैं फिर गुस्से के ऊपर रोशनी डालते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो आज की जो क्लासरूम है उसमें अलग अलग टॉपिक्स जो आपकी ज़िंदगी में, मेरा ख्याल से तो सभी इससे किसी ना किसी चीज़ से गुजरे होते हैं, और उस चीज़ को हम एक उजागर कर रहे हैं कि ये हो तो वो। हमारे साथ भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और जब हमें ठोकरें लगी हैं तो हमने उसी से सीखा है। कोई डिग्री कोई माँ के पेट से लेके पैदा नहीं होता, और जब तक इंसान के ऊपर खुद वो खुद में ही प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व करता, सिचुएशन से गुजरना, उस सिचुएशन से नहीं गुजरता तो तब तक उसको समझ भी नहीं आता। सो अगला सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कुरतुलायन है और मेरी शादी को 10 साल हो गए। अच्छा। माशाल्लाह से मेरे 2 बेटे भी हैं और मैं तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ घर के अंदर। पहले ऐसा था कि मैं बैंकिंग सेक्टर में होती थी, मैं जॉब करती थी, कोई 5 to 7 years मैंने काम किया है। तो मेरा इशू ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे जॉब नहीं करने देते। अब मैं ये चाह रही हूँ, मैंने अपने फ़र्स्ट बीबी के बाद ही अपनी जॉब रिज़ाइन की है, तो अब मैं चाह रही हूँ, माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए, स्कूल गोइंग हैं, तो जिस तरह का इन्फ्लेशन माशाल्लाह से अभी पाकिस्तान में चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ थोड़ा सा साथ दूँ और कंट्रीब्यूट करूँ। और जो जॉब नहीं करने देते कुछ, बस उनको लगता है कि घर शायद डिस्टर्ब होगा, मैं मैनेज नहीं कर सकूँगी। घर से ही आप कुछ कर सकते हैं अगर चले, मुझे किसी भी तरह की जॉब के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन आप भी ये चीज़ समझ सकती हैं, माशाल्लाह से वो खुद इकलौते हैं तो तमाम चीज़ें उन्हीं के ऊपर हैं। तो माशाल्लाह बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, हाई फाई बच्चों की फ़ीस भी है, सब कुछ है, एक हेफ्टी अमाउंट उसमें भी जा रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि फ्यूचर को देखते हुए कि एक सैलरी पर हम एक्सपेंसिस तो कर रहे हैं लेकिन सेविंग बहुत अच्छी नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं माशाल्लाह से पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस हूँ, ऑलरेडी मैं वर्किंग थी, तो अब जब मैंने अपनी सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर चुकी हूँ, तो आई थिंक सो कि मुझे अब दोबारा से स्टार्ट लेना चाहिए। उन्होंने ये आपसे बात की थी कि उनको वर्किंग लेडी नहीं? नहीं, ऐसा माशाल्लाह से उनकी मदर खुद वर्किंग थी। अच्छा, और अच्छा। वो एक अच्छी जिंदगी का भी तजुर्बा हो, बच्चे कभी कभी निगलेक्ट हो जाते हैं तो हो सकता है उनकी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है जो उनको ऐसे ही लगता है कि शायद पेरेंट्स फिर माँ टाइम नहीं दे पाती है बच्चों को, उस हिसाब से कि जब बच्चे क्वालिटी टाइम। आपकी शादी को 10 साल हुए, बच्चे छोटे हो गए, स्कूल जाने का मतलब ये नहीं कि बच्चे बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए या बड़े हो गए, असल में यही एज है बच्चों को जो आपकी जरूरत है। आपके मियाँ ने इस एज में अपनी माँ को मिस किया है, तो प्लीज उनको अंडरस्टैंड करें, उनको नेगेटिव ना लें, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा जो रिश्ते कराने वाले होते हैं, अरेंज मैरिजेस हो रही होती हैं, तो लड़के उनको बताते हैं कि हमें माँ का, ये भी कहते हैं हमें वर्किंग लेडी चाहिए,
ये भी कहते हैं कि हमें हाउस वाइफ चाहिए, उसकी रीजन शायद यही है कि किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है ना, उनको लगता है कि माँ बेसिक आदमी बाहर क्यों काम कर पाते हैं इतने आजादी से, इतने आराम से, सुकून होता है क्योंकि उनको एक सुकून होता है कि घर में कुछ मसला नहीं होगा, मेरे बच्चे मेरी बीवी देख लेगी। वो जो हाउसवाइफ है वो भी पूरे वक्त काम कर रही होती है वो बेचारी, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिल रही होती, बस फर्क ये है। और देखिए जरूरतें जो होती है ना इंसान की कभी भी खत्म नहीं होती, वो कहते ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो जब इतना आ जाता है तो फिर आप कहते हैं अच्छा इतना और इतना और। हाँ। तो अगर आपके घर का माशाल्लाह मुझे लग रहा है सब ठीक है, बस सेविंग्स आप जॉब करना चाहती हूँ, सेविंग्स नहीं है, तो आप ट्राई करें अंबर की बात की, किरण की बात, बिल्कुल ठीक है, सेविंग्स थोड़ा सा सबर करें, घर से कुछ कर लें। हाँ, घर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो कह रही है वो किसी भी तरह की नहीं अलाउ नहीं कर रहे, घर से भी नहीं करने दे रहे, नहीं बस जो अभी चल रहा है बस वैसे ही चलने दे, थोड़ा चलने दे, जल्दबाजी ना करें, लाइफ कहीं नहीं जा रही, थोड़ा थोड़ा सा मनाती रहे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत मान जाए, क्योंकि आपका जो टैलेंट है और आपकी तालीम कभी भी पुरानी नहीं होती, तालीम जो है अपने आप को अपग्रेड करती रहे। देखिये बाकी साथ जो आपने बैंकिंग सेक्टर में काम किया होगा वो 7 साल पहले या 10 साल पहले बिल्कुल अलग था, और अब 10 साल बाद बिल्कुल अलग चीजें, अपने आप को अपग्रेड करती हैं। एक और बहुत अच्छा आइडिया है, जैसे अगर आप कुछ पढ़ना चाहें या कुछ पढ़ाई सीखना चाहें वो करें, तो उसके लिए तो आपको मना नहीं करते, वो जॉब के लिए मना कर रहे हैं ना, वो तो सिर्फ जॉब के लिए मना कर रहे हैं, तो आप वो टाइम सेव करें जब बच्चे जाहिर है अभी ग्रोइंग एज में हैं और जब वो स्कूल जाते हैं उस वक्त आप देखिए कि उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, पहले उनको उस तरह मनाना शुरू करें कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, काफी ऑनलाइन ऑप्शंस हैं जिसमें मैं जॉब, या फिर आप कोई स्किल डेवलप करें, कुछ ग्राफिक्स या कोई ऐसी चीज सीखने की जॉब के बजाय ना, आप अपने आप को एजुकेट करें, अलग तरीके से इस चीज को लेके चले, मत ये जुमला बार बार टाइम नहीं वेस्ट कि मुझे जॉब करनी है। देखिए एक चीज से एक बंदा इरिटेट हो रहा है या उसे ये जुमला नहीं अच्छा लग रहा, आप इस जुमले को ही बदल देना, जॉब नहीं करी मैं ये सीखना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ यार मैं ये कुछ नई चीज़ है, ये मेरे पास टाइम है, क्या मैं ये सीख लूँ, अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करें, फिर उसी में आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा आगे चीजें निकलना शुरू हो जाती है। अपने वर्ड्स बदलते हैं, कोई आपकी ऐसी दोस्त या कोई कजिन या कोई ऐसे तो नहीं है जो आपको बार बार कहते हैं कि भाई तुम तो अपने आप को जाया जाया कर रहे हो। एग्जैक्टली, ऐसा बहुत अपने सर्कल में सुनने को मिलता है जिससे बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है कि बस कि मतलब कि अपनी डिग्री को दो साल कर रहे होते हैं जो एक्चुअली अपने आप को खुद ही जाया भी कर चुके होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, आपसे खुश नहीं है, सॉरी टू से वो हैप्पी लाइफ से खुश नहीं है, तो आप ना सुने इनको, क्योंकि वो आपको कहते हैं इसीलिए कि आप क्यों खुश हैं, तो आपके घर में कोई ऐसा कहते हैं ना वो क्या शैतान लगाएंगे, शैतान जो है वो सरगोशी फूंक देता है किसी के कान में, तो जो मियां बीवी के दरमियान फिर इस तरह का झगड़ा डाल देती है, तो वो यही होता है कि कोई आपको बोलेगा कि अच्छा ये तो खुश है, फिर कहेगी कि अच्छा इसको परेशान कैसे करें, तो प्लीज परेशान ना हो, नई जॉब करें, और अल्लाह का शुक्र अगर आपके घर में सब कुछ सही अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल, और सेविंग करके क्या करना है, खाओ भी हो ऐश करो, बेस्ट सेविंग होती है कि बच्चे अच्छा पढ़ लें, बच्चों को एक स्किल मिल जाए, कोई तालीम मिल जाए, डिग्री मिल जाए, डिग्री के साथ स्किल दो चीजें हैं अलग अलग, ठीक है ना, तो बच्चों पे काम करें, आपकी जॉब ये कि आप अपने बच्चों पे काम करें, अभी फिलहाल भी काम हो रहा है बस, यही बेस्ट है, और हस्बैंड भी समझदार होंगे, वो उनको भी पता होगा आगे बच्चे बड़े होंगे, सेविंग्स करनी है, वो उन्होंने भी कुछ प्लान रखा होगा सोच के। अब यहाँ प्रोग्राम एंड करेंगे और इन दी एंड हम यही कहेंगे कि बस टॉक्सिक जिंदगी ना गुजारें, जिंदगी की क्वालिटी जिस तरह भी बेहतर हो सके, अगर कभी अकड़ के कभी झुक के, लचकदार हम औरतों को ही होना पड़ता है और कभी कभार मर्दों को बनाना पड़ता है अगर उनमें लचक नहीं होती, तो अगर लचकदार पार्टनर्स होते हैं तो जिंदगी बहुत स्मूथली गुजर जाती है, लेकिन स्मूथली होती नहीं है हर किसी की, बनानी पड़ती, बेड ऑफ रोजेज नहीं होती है जिंदगी, वो जो हमें फैंटेसी सिखाई होती है ना कि वाह शादी होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, हवाएं चल रही होंगी, हाँ खेले हुए होंगे, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ यही होती है कि हर सर्दी गर्मी बाहर खिजां जो भी चीज आती है उसको बेयर करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाए बस इस पे सोचे, जो अभी है ना उस पर सोचे, आगे आने वाली वक्त का डर और उसकी तैयारियां करें जिसका पता ही नहीं कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा, और कोविड के बाद तो लोगों को पता चल गया है कि भाई पता नहीं अचानक जिंदगी ऐसी चेंज हो जाती है, इसलिए जो है उसको सही कह रही है, अक्ल के साथ गुजारें। थैंक यू सो मच टीचर्स, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। चलिए हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ फिर चलते हैं।
और अगर इस इन सारी बातों में से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप ग्रैब करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, बस दुआएं हमें दे दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।